राम राम और एक बार जोर से बोलो हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजने श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत की महिमा। अगर किसी ग्रंथ की महिमा को हम समझना चाहते हैं कहते हमें चार दृष्टिकोण से हमें विचार करनी चाहिए। बोले पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो साधारण व्यक्ति भागवत कथा नहीं सुन सकता है। जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हुआ हो वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा को सुन सकता है। करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई अगर पुण्य उदय हुआ हो, अगर कोई बोले बोले भैया हमने तो कोई पुण्य पुण्य ही नहीं किया, हम तो पाप ही पाप किया, फिर ये भागवत कथा क्या हम सुन नहीं सकते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया है धुंधुकारी की कथा। कल सुन रहे थे ना धुंधुकारी की कथा, कौन कौन सुन, कल सब सुन रहे थे। ये धुंधुकारी इतने बड़ा पापी था जिसने अपना पिता को इतने पिटाई कि पिताजी घर छोड़कर भाग गए, इतने परेशान कर दिया। मैया रह गई तो मैया बोले बताओ पिताजी कहाँ पैसा रख कर गए, निकालो माल निकालो बताओ मेरे को। मैया को भी मार, मैया तो कुएं में छलांग लगा करके अपना आत्महत्या कर दी। उसने फिर छह बैस्याओं को बुला करके लाए घर में, उनको रखे, रख करके फिर कोई बोले हमें गहना दे ले आओ, कोई बोले हमारे लिए साड़ी ले आओ, है अलग अलग मांग करे। फिर राज दरबार में डाकू डाला, बहुत पैसा को लूट करके लाया। वैसे हमने देखा सवेरे होते ही सियाही लग जाए, अगर पकड़ गए ना इसको साथ में हम भी सब जेल में चले जाएंगे। एक काम करो रात रात इसको मार डालो और ऐसे बुरी तरह से मारे, मुंह में अंगार को ठोस ठोस करके ऐसे उन्होंने मारे और उसको मार करके ना घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिए और चले। जब उसकी भैया ने जा करके गया में पिंड दिया, गया गए हो आप लोग, कोई गया नहीं है, गया में भगवान का वरदान है, वहां पर भगवान का चरण चिन्ह है। भगवान बोले अगर कोई पितृपुरुष का उद्देश्य से एक बार गया आए और एक बार पिंड दे दे उसको उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब उसको नाम पर पिंड दे दिया फिर देखा घर में फिर ये प्रेत जन्म बनकर बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया एक बार क्यों, मेरे नाम पर तो 100 बार भी पिंड दे दो मेरे को मुक्ति नहीं मिली, इतने मैंने पाप किया है। लेकिन इतने बड़े पाप को मुक्ति मिली से कैसे मिली, बोले भागवत कथा से। अगर हम जितने बड़े से बड़े पाप क्यों कर्म किया नहीं हो, कहते एक बार आओ और ये भागवत कथा में बैठो, एक बार एक मन से कथा को सुन लो, बस बड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी। इसलिए बोले कथा को कौन सुन सकते हैं, बोले हम पापी से पापी क्यों नहीं हो, अगर कथा को सुनेंगे तो हमें संसार से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बोले भैया हमें कथा सुनने का क्या जरूरत है, हम बहुत बार सुन चुके हैं, ये सुनी सुनाई कथा को कितना बार सुनेंगे, नहीं तो हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम क्या कम जानते हैं,
इसलिए हमें ये सब कथा पता सुनने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन भागवत में बताए आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नाम नहीं हो हैं, जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, गर्भ में बैठी बैठी करके एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर कर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर सुनो, एक बात सुन लो, हरे कृष्णा, इधर एक बात सुनो माता जी। देखो कथा सुनना हो ना, आप जिसको जानते हो उसको वहां से मत बैठा करो, आप थोड़ी अलग उधर बैठा। फिर देखो हमने घर का काम काज छोड़कर कथा सुनने के लिए आए, फिर संसार की बात करें, थोड़ी सी आप दोनों अलग हो जाओ, थोड़ी सी हो जाओ, फिर एक मन से कथा सुनोगे, हाँ थोड़ी सी अलग हो जाओ ना, फिर बैठ बैठ कर बात करोगे, हाँ। इसलिए पास पास में बैठ कर कथा बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बोले कथा को कौन सुन सकते हैं, बोले तुम जितने बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, कथा सुन सकते हो। क्योंकि जो भगवान की कथा में इतने आनंद है, इतने रस है भगवान की कथा में, कभी जितना सुना लगता है कई जिंदगी में कभी हमने सुना ही नहीं। एक समय कोई एक गोपी थी, उसने कृष्ण को दर्शन करके आई, इतने में राधा रानी कृष्ण को साथ में कुंज में मिल रहे थे, कुंज में मिल करके अभी अभी कृष्णा कुंज से निकल कर गए। राधा रानी कहती है सखी ये व्यक्ति कौन है ये पुरुष। ललिता कहती है क्यों अभी तो तेरे साथ में मिल करके गए। राधा रानी कहती है मैं तो जिंदगी में इसको कभी देखा ही, जीवन में मानो पहला बार में इनको देख रहा हूँ। जैसे आपका घर में गोपाल जी है, किसको घर में ठाकुर जी हो, ठाकुर का सबके घर में ठाकुर जी। आप देखना जब जब तुम ठाकुर को स्वीकार करके देखो ना, ठाकुर जी नए दिखते दिखते कि नहीं नए हैं, लगता है जैसे जीवन में हमने कभी ठाकुर को देखो ही ना। लेकिन इसी जगत में देखना कोई भी चीज हो, बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आया एक बार देख लिया, बोले कैसे, बोले क्या गजब है बहुत बढ़िया। जब दो बार देख लोगे कैसे, हाँ ठीक है। तीसरा बार देख लोगे, हाँ ठीक था। चौथा बार, बोले और नहीं। अगर चौथा बार वो सिनेमा को देख लिया ना, पंचम बार तो बैठ नहीं सकते वहां पर। लेकिन जैसे घर में देखो, जैसे हनुमान चालीसा कोई पढ़ता होगा, नहीं तो रामायण कोई पढ़ता होगा हैं, आप देखना जब जब ग्रंथ पढ़ते हो आपको कोई पुरानी लगती है, आपको कभी पुरानी लगती है, भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं लगती है। जब जब पढ़ो तब तक नया नया लगता है। इसलिए जो भगवान की जो कथा, ठाकुर जी की जो कथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में ये बात को कहते हैं। क्या कहते हैं, बोले राम कथा जय सोना राम कथा जय सोना कृष्ण कथा जय सोना कथा सुनते सुनते हम तो बोर हो गए, तो गोस्वामी जी कहते ही ये समझो वो कथा क्या चीज उसको पता ही नहीं। हनुमान का नाम सुने हो, कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो, आप देखना बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, अगर लाख करोड़ों जगह पर श्री प्रभु राम की कथा हो ना,
आप देखना हनुमान जी सबसे पहले वहां जाकर बैठेंगे हैं, और ऐसे नहीं हाथ जोड़कर बैठेंगे, जहां पर कथा होती है वहां जाकर प्रणाम करेंगे, वहां धूल शरीर पर लगाएंगे और गदगद होकर के आंखों से आंसुओं को बहाते हुए कथा सुनेंगे। और कथा से जाएंगे कब, ऐसे नहीं बीच में उठकर चले गए, नहीं, जब कथा विश्राम हो जाएगा, जब सब चले जाएंगे हनुमान जी वहां का धूल अपना शरीर पर लगाएंगे और सबको प्रणाम करते हुए और एकदम लास्ट में श्री हनुमान जी जाएंगे। इसलिए बोले जहां जहां कथा हो हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए उतना जगह पर जाकर हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए बोले कथा को कौन सुन सकते हैं, बोले अगर पापी से पापी भी अगर कथा सुने ना, ये भागवत उसको मुक्ति प्रदान करती है, और ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो वो भी भगवान की कथा को सुन सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भागवत का केवल एक श्लोक उनको कान में पड़ गया ना, वो पागल हो गए, सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़ दिए और आकर के उन्होंने सात सात दिन तक उन्होंने भागवत कथा को उन्होंने श्रवण किया। मतलब है कथा को सभी, ये भागवत कथा सभी सुन सकते हैं, भागवत सबको ऊपर में कृपा करने वाली। और कल सुन रहे थे ना कि भागवत नहीं, ये कल्प विद्या है, जिसको नीचे बैठ करके सात दिन तक सही सही सुनो, अब जो मांगोगे ना भागवत से, देखना सारी इच्छा भागवत आपको सारी इच्छाओं को भी पूरी कर देती है। ये भागवत ग्रंथ बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मुखी, जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मुखी। इसलिए गतकल हम जो कथा सुन रहे थे, हम पद्म पुराण की कथा सुन रहे थे, कहते भागवत की महिमा एक स्कंद पुराण है, वहां पर भी भागवत की महिमा उसको थोड़ी सी चर्चा कर लेते। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके प्रभु चले गए, जब मैया कुंती को ये बात पता चला कृष्ण चले गए, बोले भैया जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये शरीर रख करके क्या लाभ। मैया कुंती भी उसी समय में अपना शरीर को उन्होंने त्याग दे दिया। मैया कुंती कहती हैं, देखो ये शरीर धारण करना तभी सार्थकता है जब ये शरीर से कृष्ण का भजन हो, भगवान की भक्ति हो, तभी ये जीवन धारण करना सार्थकता है। इतने में जब कुंती मैया चली गई, उसको बाद में फिर पांडव ने भी देखा, जब कृष्ण ही नहीं रहे हम रह कर क्या लाभ, पांडव लोग भी संसार को त्याग दे दिए हैं, त्याग दे दिया। जब त्याग दे दिया जाने से पहले हस्तिनापुर का राजा उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को बनाए और वृंदावन का राजा बना दिए श्री बज्रनाभ। नाम सुने हो बज्रनाभ जी, कहते ये बज्रनाभ कृष्ण के पौपुत्र बेटा ये श्री बज्रनाभ है। जब ये वृंदावन के राजा बने, एक दिन परीक्षित महाराज वृंदावन गए बज्रनाभ से मिलने के लिए, बोले बेटा सब कुशल मंगल है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरा मन बड़ा उदास है। बोले क्यों, बोले राजा तो है मैं वृंदावन का, लेकिन वृंदावन में कोई है ही नहीं, ये सुना वृंदावन कुछ है ही नहीं वृंदावन, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान जैसे राम रामायण देखे होंगे टीवी में, देखे रामायण, जब भगवान राम ये संसार छोड़ कर गए आप देखे होंगे, सबके सब अयोध्या वासियों को प्रभु ले करके चले गए, लेकिन एक व्यक्ति को लिए नहीं, एक व्यक्ति को छोड़ कर गए। किसको छोड़ कर गए, किसको छोड़ कर गए, श्री हनुमान जी को। बोले क्यों, बोले अगर तुम चले जाओगे फिर ये भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, हनुमान तुम जगत में रहो और मेरी भक्ति को जगत में प्रचार प्रसार करो। उसी तरह भगवान कृष्ण जब ये संसार छोड़ करके चले गए, किसी को भी नहीं रहते, वहां के जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनको भाई गोपी राधा रानी सबको लेकर के ठाकुर जी चले गए, लेकिन एक व्यक्ति को लिए नहीं। जैसे भगवान राम केवल एक व्यक्ति को छोड़कर गए, भगवान कृष्ण भी एक को छोड़कर गए, कृष्ण भी एक को छोड़कर गए। बता सकते हो किसको छोड़कर गए, बोलो कौन बोलेगा, हाँ सब फेल हो गए। इसलिए उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी को छोड़कर गए। ये सुखदेव गोस्वामी पहले ये सुख पति थे,
ये श्री सुख पकी श्री सुखदेव गोस्वामी थे हैं। इन्होंने जब आए उनको गोलोक वृंदावन से उन्होंने ये तोते को लेकर के आए और इसने भगवान की सारे लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया हैं, सारे लीला दर्शन की। जब भगवान ये जगत छोड़ करके जा रहे थे, ये तोता भी जाने के लिए तैयारी हुआ, बोले मेरे को भी साथ में ले चलो। ठाकुर जी बोले अगर तुम चले जाओगे ना फिर मेरे भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेंगे, तुम रह के जाओ। इसलिए हम कल सुन रहे थे ना, जब ये सुख पखी ने ये जब भगवान कृष्ण चले गए बड़ा उदास हो गया, बोले ठाकुर तो चले गए मेरे को छोड़ करके। वो उड़ते उड़ते पहुंचा कहाँ पर, कैलाश में। जब पहुंचा देखा श्री भोले बाबा माता पार्वती को अमरनाथ में हैं, ये अमर कथा भागवत कथा सुना रहे थे। ये तोता भी पेड़ में बैठ करके ठाकुर जी की सारी कथाओं को ये तोता भी श्रवण किया। मैया को बोले देखो माँ पार्वती, शंकर जी बोले जब मैं कथा सुनाऊंगा हुंकार भरते रहे, मेरे को पता चले कथा कोई सुन रहा है। तो उन्होंने जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तब शंकर जी कथा सुनाते रहे और मैया पार्वती हुंकार भर रही थी, बड़ी प्यारी कथा। उसको बाद में क्या हुआ, शंकर जी भाव से कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते माता पार्वती बीच में सो गई। जब पार्वती सो गई इतने में हुंकार भरना बंद हो गया। अभी वो जो पेड़ के ऊपर में तोता बैठा हुआ था, बोले मैया तो हुंकार भरना बंद कर दी, अभी भोले बाबा तो कथा को यहीं पर विश्राम देते, कथा मेरी ही अधूरी रह जाएगी। इतने में वो तोता भी हुंकार भरना शुरू कर दिया, बोले बड़ी प्यारी कथा। उसको बाद में क्या हुआ, उसको शंकर तो भोले बाबा है ना, बस कथा सुनाते 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 जा रहे। फिर जब कथा विश्राम हो गई फिर शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में मैया पार्वती जग गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं मैं तो बीच में सो गई थी। बोले सो कैसे गई, तू तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं मैं सो गई थी। देखो इसलिए हम भी बीच बीच में ना ये जयकार देते हैं, तू जयकार देते हैं। आप देखना इधर उधर कोई विषय की बात हो ना हमारे कान एकदम खड़ा रहते हैं, लेकिन जब प्रभु की चर्चा हो ना नींद आ जाती है। नींद आ जाती है, क्यों नींद आती जानती हो, क्यों नींद आती है बोलो, क्यों नींद आती है, कथा में हमें नींद क्यों आती है। अब इधर उधर का बात कर देना नींद नहीं आई, लेकिन कथा में नींद आ जाती है। इसका कारण बताए, बोले जब महाराज की तीन ही बेटियां हैं, कितने बेटियां हैं, एक दिन यम महाराज बड़े दुखी होकर बैठे थे, इनकी तीन तीन बेटियां थी। बोले पिताजी क्या बात है, आप इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो, बोले क्या बताऊं, ये सब संतलों को आकर के ना भगवान की कथाओं को सुना सुना करके सबको ज्ञानी बनाने जा रहे हैं। और जिसको कहते ना बिनु सत्संग विवेक नाम हुई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश हो, इसलिए ये कथा सुन सुनकर सब ज्ञानी होते जा रहे हैं। और जब ज्ञानी हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, सब भगवान की भक्ति करना शुरू करते। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, सबके सब कहाँ चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन ठाकुर के पास में। कहता भी धीरे 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 मेरे जम फूल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बोले पिताजी हम आपकी तीन तीन बेटियां ना, बताओ क्या सेवा। देखो ध्यान देकर सुनो, पहला बेटी का नाम है झिमझिमानी। बोले देखो अगर कहीं ये भागवत कथा होती है, जो कथा सुनते हैं ना तुम जाकर उनका सर पर बैठ जाना, ए सर में बैठते ही अपनी आप नींद आने शुरू हो जाएगा, जब भाई आने शुरू हो जाएगा, आंखों के पल्लव में लगता है लगेगा जैसे 100 मन के पत्थर घिसने लग गया है, हैं? पहला बेटी का नाम झिमझिमानी, दूसरे बेटी बोले तुम्हारा नाम ले झुलझुलानी। जब दूसरे नंबर में तू बैठ जाओगे ना, बोले झुमता हाँ झुमना शुरू कर देंगे। बोले तीसरे बेटी का नाम है सुलसुलानी। बोले जब तीसरे नंबर है जब तू बैठ जाओगे ना हाथ पैर फेंकते सो जाएगा, अरे सो जाएगा तो फिर तो प्रभु कथा नहीं सुन पाएगा, कथा नहीं सुनेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर भक्ति ही नहीं करेगा, फिर तो जौनपुरी का रास्ता क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी ध्यान में रहो। देखो माता पार्वती उसने किया कि उसने भी सो गई है, वो भी सो गई कथा में। इसलिए जब शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जी।
इसलिए हम भी बीच बीच में जयकार देते हैं, ये झुलझुला नहीं सुलसुला नहीं आ जाए, इसलिए आप लोग भी ध्यान से कथा सुनना। इतने में मैया जग गई, बोले क्या हुआ, बोले कथा तो विश्राम हो गई, बोले मैं तो सो गई थी, बोले उधर भर लेगी, बोले नहीं मैं तो सो गई थी। अरे शंकर जी ने देखा कि जो भागवत कथा है ना सब नहीं सुन सकते, कद जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्य, कद जब करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये कथा में कोई बैठ सकता है, ये तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी है। इसलिए करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से इतने में शंकर जी, और कथा क्या है ये अमर कथा, जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा। शंकर जी ने देखा अगर कोई दुष्ट व्यक्ति सुन लिया अगर वो अमर बन जाएगा फिर क्या होगा, संसार के लिए हानिकारक है, इसने ये कथा को छूट करके सुनी। शंकर जी ताज तरफ में देखा, देखा वो पेड़ के ऊपर में एक तोता बैठ कर कथा सुन रहा है। शंकर तो मारने के लिए दौड़े, उसको त्रिशूल उठा कर इसको थोड़ा क्लियर कर दो, तब उन्होंने त्रिशूल उठा करके दौड़े, इतने में वो तोता भी भागते रहा। करते करते पहुंचा बद्रीनाथ में, वहां पर भी व्यास देव अपना पत्नी पीटका को यही भागवत कथा सुना रही, और कथा सुनते सुनते उनकी पत्नी, जैसे होता है ना कोई चीज जैसे आश्चर्य जैसे सुने, वो मुंह खोल करके सुन रही थी। इतने में सुखदेव गोस्वामी सुख पकी गए और मुंह में प्रवेश कर गए। शंकर जी ने देखा तोता तो यही आकर कहाँ गायब हो गया। श्री व्यास देव जी ने पूछे, भोले बाबा किसको ढूंढ रहे हो, क्या हो गया। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया। बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या। बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। व्यास देव जी बोले सचमुच साहब भोले हो, उनका नाम भोले बाबा है ना, सचमुच साहब भोले हो, आप स्वयं कहते हो ये अमर कथा, जो सुनेगा आप मरेगा नहीं, फिर तोते को मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो। शंकर जी बोले अभी तक तो मेरी बात याद नहीं था, याद नहीं था। फिर उन्होंने ध्यान लगाए, ये तोता है कौन, ध्यान लगा करके देखा है ना, देखो ये तोता कौन है। भगवान क्यों, जैसे हनुमान को प्रभु राम छोड़ कर गए, भगवान कृष्ण क्यों तोता को छोड़ कर गए। बोले प्रिया सुख श्री पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते जो तोता है राधा रानी के निकुंज में निवास करने वाले, राधा रानी कभी कभी हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, उसको बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी स्वर से बोलती कृष्ण कृष्ण हैं। कभी कभी राधा रानी इनको अपना कृष्ण मान करके कभी कभी उनको चुंबन करती थी, चुंबन करने पर राधा रानी की जो अधरामृत वो तोते की थोंट में लगा हुआ है। इसलिए हम आगे सुनेंगे जहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए और ये सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटे बालक थे, इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए, लेकिन जब वो कथा सुने ना ये सबसे छोटे बालक से सुने। बोले क्यों, कारण है ये राधा रानी के निकुंज में रहने वाले हैं, भगवान के सारे लीला उन्होंने दर्शन किया है। इसलिए शंकर जी ध्यान लगाइए तोता कौन है, सचमुच से देखा जो तोता है ये कोई साधारण तोता नहीं, ये राधा रानी की समस्त लीला को जो दर्शन की, और भगवान जब ये जगत छोड़कर गए, भगवान ये तोते को भी छोड़कर गए ये जगत में, तुम मेरी भक्ति को जगत में प्रचार करोगे। शंकर जी ध्यानस्थ होकर के सब कुछ दर्शन किया, दर्शन करते हुए शंकर जी प्रणाम करके चले गए। यही तोता ही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट हुए और जगत में ये भागवत कथा को उन्होंने सबको श्रवण कराया। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय, जय श्री जय 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 श्री राम। इसलिए जब श्री परीक्षित महाराज जब पूछे ठीक ठाक है ना, बोले ठीक तो हूँ,
लेकिन सब वृंदावन खाली पड़ा, कोई है ही नहीं वृंदावन। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं गए। कृष्ण को दो तरह का लीला है, कहते एक इनका एक वास्तविक लीला और एक व्यवहारिक लीला है। साधारण रूप में क्या दिखता है, ठाकुर जी छोड़ करके चले गए, साधारण रूप में क्या देखो, ठाकुर जी ये संसार छोड़ करके चले गए। लेकिन वास्तव रूप में देखो ना, कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन गए? हाथ ही ना, हाथ जोर से हाथ बजा के, हाथ नहीं था। आप लोग ना वृंदावन में दो बने, एक निधु बने और एक निकुंज बने, दो बने। अगर कभी वृंदावन को रात में कभी रुकते हो, आप जरूर ये वन में जाना, ठीक है। आप देखना वहां पर तो बहुत सारे बंदर हैं, लेकिन ठीक शाम होते ही देखना ये दोनों वन से ये बंदर अपने आप, कभी कभी वहां पर जा करके देखना, अपने आप ये बंदर को भगाने का जरूरत नहीं, ये बंदर धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं धीरे धीरे। और वहां पर दो मंदिर आप देखो, जा करके देखना, एक निकुंज वन और एक निधु वन। वहां पर रात को ठाकुर जी के लिए फूल की सज्जा लगता है, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू रखते हैं, दांतन रखते हैं। अगर कभी सौभाग्य तुम्हारी हो, मंगल आरती में कभी जाना, कभी जाना। हमारे मंदिर के पास में मंदिर है, हमारे मंदिर के पास में आप जा करके देखोगे, जैसे रात को मानो कि पुष्पों की जो सज्जा लगता है, लगता है जैसे कोई रात को आकर के विश्राम करती है। कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगा है, कभी लड्डू नहीं मिलेगी। अगर कोई जोर जबरदस्ती रुक जाए ना, हम देखेंगे ठाकुर का लीला कैसे होता है, वो मर जाएगा नहीं तो गूंगा बन जाएगा। मैंने हमारे मंदिर के पास में दो केस में स्वयं देखा है, मैं खुद देखा, एक बूढ़ी माता जी को मरते हुए देखा, एक को भूखे मरते हुए देखा। क्योंकि जो प्रभु को एक बार लीला दर्शन कर लेना, वो बोलने का लायक ही नहीं रह जाता है, शरीर रखने का लायक ही नहीं रह जाती है। इसलिए अगर कोई कहते ना भगवान को तुमने देखा थोड़ी है, हम जो चीज नहीं देखा कैसे मानेंगे। अगर जिसको विश्वास नहीं हो ना, वृंदावन में जाओ और वो वन में एक रात रह करके देख लो ठाकुर है कि नहीं, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ठाकुर है क्या नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर बोले भगवान की जो वास्तविक जो लीला है, अभी भी ठाकुर जी लीला करते हैं। हमारी संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है, एक संत वृंदावन में भजन के लिए आए, तब उनको गुरु जी ने कहा देख बेटा, जब तक सेवा नहीं करोगे ना, मेवा नहीं मिलेगा, जाओ ये निधु वन में झाड़ू लगाओ। राधा रानी रोज यहाँ लीला करते हैं। जब उन्होंने झाड़ू लगा रही थी रो रो करके राधा जी के नाम को लेकर, तब उन्होंने राधा जी की चरण के सोने के रूप रूप को मिला, तो उन्होंने गुरु जी को दिखाया, बोले गुरु जी ये घना घोर जंगल में सोने की नुपुर मिला। लेकिन गुरु जी बड़े पहुंचे हुए, बोले बेटा ये तो राधा रानी की नुपुर है, राधा रानी तेरे को दर्शन देने के लिए बहाना बनाए। देख जब कोई लेने के लिए आए ना, देना नहीं, बोलना जिनके चरण की नुपुर खुद आ जाए, मैं अपना हाथों से पहनाऊंगा, अपना हाथों से पहनाऊंगा। सचमुच से वहां पर राधा रानी खुद आए, ये संत ने अपना हाथों से राधा जी के चरण नुपुर पहना है। लेकिन राधा रानी बोली देखो ऐसे ऐसे मैं नहीं जाऊंगी, पहले अपना आंखों में काला पट्टी बांध दे हैं। उन्होंने काला पट्टी बांध दे, तब राधा जी के चरण में नुपुर पहनाए। और ये संत ने राधा रानी के चरण को पकड़ कर रखे, बोले राधे जब इतने दूर तक कृपा की हो, मेरे को दर्शन दे दो। राधा रानी स्वयं आंखों से पट्टी खोल दिए और उन्होंने श्री राधा रानी को दर्शन किए, बोले श्रीमती राधा रानी की। और दो संत थे, एक रूप गोस्वामी और एक सनातन गोस्वामी। एक भाई दूसरे भाई को पास में सत्संग हरि कथा सुनने के लिए चर्चा कर रहे थे। अभी छोटे भाई सोच रहे हैं बड़े दिनों में बड़े भाई आए, इनको खीर बहुत प्यारा है, हम इनको खीर खिलाए। राधा रानी स्वयं छोटी सी बालिका बन करके राधा रानी दूध चावल काजू किशमिश लेकर के आती और स्वयं अपना हाथों से खीर बना करके ये संतों को खिला करके जाते।
इसलिए अगर कोई सचमुच से भगवान की भक्ति करते हैं ना वृंदावन में, अभी भी श्रीमती राधा रानी दर्शन देती हैं, लेकिन ऐसे भजन करने वाले होने चाहिए। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाती नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी की जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। अगर सही भक्त बनोगे, अभी भी ठाकुर जी संतों को दर्शन देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्याम कृपायम की घुंगरो
अगर कोई व्यक्ति एक सूर्यास्त में मतलब एक दिन में ये तीनों ठाकुर का कोई दर्शन कर लेगा ना, उसको कृष्ण दर्शन करने का उसको फल मिल जाते हैं। लेकिन एक ठाकुर आप देखोगे ये करौली में और दो ठाकुर आप जयपुर में देखोगे। बोले करौली में कौन सा ठाकुर है? ध्यान दो करौली में बोलो। हाँ, श्री मदन मोहन जी करौली में, देखो ध्यान दे। अगर तुम अगर प्रीति प्रेम से ठाकुर का सेवा करोगे, ठाकुर कितने प्रेम में बसीभूत हो जाते हैं। कहते राजा मानसिंह का एक बेटी थी, बड़ी प्यारी बेटी, ये मदन मोहन को अपना हाथों से सेवा करती थी, उनके लिए कपड़ा बनाती थी, ठाकुर को श्रृंगार करती थी, ठाकुर को खिलाती थी। आप देखना, आप जिसको सेवा करोगे ना उसको साथ में प्रेम हो जाएगा। जैसे पति की सेवा करती हो, पति की सेवा करती कि नहीं, बच्चे को सेवा करती हो, आप जिसकी सेवा करोगे देखना उसको साथ में नाता जुड़ जाती। अभी वो राजकुमारी वो मदन मोहन की सेवा करती थी, ठाकुर को रोज खिलाता पिलाता। अभी करते करते सेवा करते करते उनका जो प्रेम ये ठाकुर में हो गया। अभी बेटी हो गई राजकुमारी, बड़ी बड़ी हो गई, तो अभी राजा ने अपना बेटी को करौली में शादी देने के लिए तय किया वो राजा को साथ में। राजा मानसिंह ने कहा, देख राज बेटी, तेरे को मैं दहेज रूप में जो दूंगा तो सो दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी मन में अगर कोई इच्छा हो ना ये चीज को तुम बोलो, क्या चाहिए तुम्हें। बोले पिताजी, भले ही मेरे को कुछ दहेज में दो और मत दो, अगर देना तो ये ठाकुर को मेरे को दे दो, मदन मोहन को, क्योंकि बचपन से मैंने ये ठाकुर को सेवा अपने हाथों से की। लेकिन उसका नाम ही मदन मोहन, बड़ी सुंदर ठाकुर जी। राजा ने कहा, देख बेटी, और भी मेरे पास में ठाकुर और ठाकुर को ले लो, लेकिन ये मदन मोहन को मत ले जाए। लेकिन बेटी बोली, तभी मैं शादी करूंगी अपने ठाकुर को लोगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। और बेटी और पिता की लड़ाई हो गई। अभी पिताजी देना नहीं चाहते, बेटी कहती है तभी शादी करूँ जब ठाकुर लोगे। अभी क्या किया जाए? राजा ने बोले, देख बेटी, मैं तुमको परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या लोग करोगे? बोले मेरे सारे ठाकुर को मैं खड़े कर दूँगा, बहुत सारे ठाकुर। कभी जयपुर गए हो कभी तुम लोगों ने? कौन कौन गए? कभी जयपुर जाना वहाँ पर है, वहाँ पर सारे बहुत ठाकुर, इतने मंदिर ये राजा मानसिंह ने स्थापन किया और उन्होंने बहुत सारे ठाकुर जी। बोले सारे ठाकुर को मैं लाइन करके खड़े कर दूंगा और तुम्हारे आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा। तुम जा करके जिस ठाकुर को तुम स्पर्श करते हुए बोलोगे ये ठाकुर दो, फिर वही ठाकुर दे दूंगा। अभी राजकुमारी बोले ठीक है। फिर रात को बड़े ठाकुर के पास में प्रार्थना की, ठाकुर जी तुम मेरे प्रेम को तुम जानती हो, तेरे को खिलाए बगैर मैं खाती नहीं, तेरे को सुलाई बगैर मैं सोती नहीं, तुम मेरे प्रेम को जानती हो। लेकिन पिताजी कहते परीक्षा करके देंगे, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा ये मदन मोहन? देखो ठाकुर जी रात को स्वप्न में आए, ठाकुर जी रात को स्वप्न में आए। बोले बेटी कोई चिंता मत कर, एक काम कर लेना है, तुम सारे ठाकुर को शरीर में ऐसे हाथ लगाते लगाते आना, आते आते जब तुम मेरे पास में आओगे ना ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझूगी और मैं समझूंगा, मैं तेरे हाथ को पकड़ लूंगा, जब मैं हाथ पकड़ लूंगा तुम तो समझ आएगा यही बदल हूँ। राजकुमारी इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुश हो गई, सचमुच से दूसरे दिन पूरा जयपुर के लोग इकट्ठे हो गए। राजकुमारी कौन सा ठाकुर जी दहेज रूप में लेकर जाएंगे? लेकिन जब उसने इस हाथ लगाते लगाते मदन मोहन को पास में, ठाकुर को पास में आए ना, ठाकुर के हाथ पकड़ लिया। बोले पिताजी मेरे को यही ठाकुर दे दो। बोला अरे इसको पता कैसे चला ये मदन मोहन है? बोले बेटी तू जीत गई मैं हार गई, इसलिए आप मदन मोहन को ना आप जयपुर में नहीं देखोगे, ये ठाकुर जी को करौली में देखोगे। बड़े सुंदर राजा ने ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर मंदिर बना दी अपना है ठाकुर जी के लिए, और खूब ठाकुर बेटी दहेज रूप में मदन मोहन को लेकर गए हैं। देखो क्या करनी चाहिए, हमारे घर में जो गोपाल बैठे हैं ना घर में ठाकुर जी को अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करो। आप जितने अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करोगे, देखो उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह सजा दो, सजा करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ। आप देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे आपको परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अब तुम्हारी शरीर जैसे सज जाएगी वो परछाई अपने आप सज जाएगी। इसलिए असली कौन है?
असली कौन है? ठाकुर जी। ये असली शरीर है हमारा, शरीर ये परछाई। थोड़ा तेज बोल भैया, तेज बोल। इसलिए ये शरीर हमारी मूल है, ठाकुर जी मूल है। आप स्वयं देख लेना, जिसकी घर में ये ठाकुर जी की सेवा जितने बढ़िया से होता, जितने सुंदर करके ठाकुर को सजाते हो, ठाकुर को भोग लगाते हो, ठाकुर को सेवा करते हो ना, देखना घर में उतना ही घर में पलते भूलते रहोगे, उतना ही घर में शांति सुख रहेगा। आप स्वयं देख लेना। लेकिन घर में बहुत पैसा आ रहे हैं, अरब अरब संपत्ति, लेकिन पैसा तो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी तो नारायण की ना, तुम्हारी लक्ष्मी नारायण की। अगर वो लक्ष्मी, अगर ये नारायण कृष्ण की सेवा में लगे, फिर तो घर में ये लक्ष्मी शांति सुख देती है। अगर अरब घरों पैसा आ जाए, लेकिन ये ठाकुर को सही सही सेवा नहीं करते हो, लक्ष्मी घर में सुख नहीं देगी, कहीं बीमारी दे देगी, मामला मुकदमा लगा देगी, लड़ाई झगड़ा लगा देगी, अरब खरब रुपया वहाँ बह जाएगा, लेकिन वो लक्ष्मी शांति सुख नहीं देगी। अगर हम संसार में चाहते हैं सुख में रहे, लक्ष्मी नारायण को ये चीज को याद रखो, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी किसकी है बोलो? नारायण जी है ना, ये ठाकुर जी की। जब इनकी सेवा में लक्ष्मी लगेगी, फिर तो घर में लक्ष्मी शांति और सुख, घर में तभी लक्ष्मी लगती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर एक समय जब भगवान कृष्ण चले गए, कृष्ण के 16108 कठिनाइयां थी, ये लोग बड़ी दुखी कृष्ण विरह में। लेकिन इन लोगों ने देखा जो कालंदी, कालंदी मतलब यमुना, कालंदी वो बड़ी खुश है, बड़ी कलकल नाद से बह रही है। तब महेश्वर ने पूछा, देखो कालिंदी, कृष्ण तो चले गए, हम सबका प्रियतम, हम तो कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, लेकिन तेरी अंदर में कोई दुख नहीं देखता, थोड़ी खुश हो। देखो कालिंदी क्या कहती, बोले देखो राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं गए, कृष्ण अभी भी वृंदावन है। अगर कोई से सही भजन करते हैं ना, अभी भी ठाकुर जी वृंदावन में उसको दर्शन देते हैं, ठाकुर है सही सही। लेकिन किसकी कृपा से ये पता चलता है? श्री राधा रानी की कृपा से। हम लोग वृंदावन में गए होंगे, आप देखना वहां पर कोई भी कृष्ण कृष्ण, वहां कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, सबके सब किसके नाम लेते हैं? इसका इको कम कर दो, इको कम कर दो, और इसका थोड़ा बोल दो, क्या नाम लेते हैं वहां पर? और थोड़ा हरे कृष्ण, इको इको मत दो, सबके सब किसके नाम लेते हैं? जोर से बोला, और जोर से बोले, वहां पर राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं? तो वहां पर कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते हैं वृंदावन में? देखो कृष्ण खुद कहते हैं, बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामि भक्ति उत्तमम, धा शब्द कुर्बत पश्चात धामि श्रवण लोभा। ये वाक्य भी हरि खुद कहते हैं। कहते अगर किसने रा बोल दिया ना, कृष्ण कहते हैं मैं बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ, मेरी लादरी शक्ति पराशक्ति श्री राधा रानी का राह कर लिया है, इसको मैं दूं किया। कहते विश्व ब्रह्मांड में ये राह अक्षर का विनिमय में देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं होता, मैं खुद को खुद दे देता हूँ, अपना भक्ति दे देता हूँ। अगर कोई धा बोल देना, राह और धा, अगर ये दो अक्षर कोई बोल देता है, कृष्ण कहते मैं उसको पीछे पीछे भागता रहता हूँ, मैं इसको पीछे पीछे में भागता रहता हूँ। इसलिए एक भजन सुने होंगे, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे भी हम, राधे राधे रटो चले आएंगे भी हम, आएंगे भी हरी चले आएंगे भी हम, आएंगे भी हरी चले आएंगे भी हम, I'm not afraid to die.
अभी भी वृंदावन में कृष्ण है, कृष्ण कहीं भी नहीं गए वृंदावन में है। बोले भैया ये रहस्य को हम बताएगा कौन? बोले ये रहस्य को एक व्यक्ति बता सकते हैं। बोले कौन बताएगा? बोले श्री उद्धव जी, क्योंकि कृष्णा ये उद्धव जी को है, आगे हम सुनेंगे, कृष्णा ये उद्धव जी को ब्रज में भेजे। बोले उद्धव जी तुम ब्रज में जाओ, मेरी सखाओं को, मेरी गोपियों को, मेरी राधा रानी को वहाँ समझाओ, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, वृंदावन में ही रहता हूँ। ये रहस्य ये केवल उद्धव जी को पता है। बोले उद्धव जी कहाँ रहते हैं? थोड़ी सी स्टेज कर दो। बोले उद्धव जी कहाँ रहते हैं? बोले उद्धव जी आप गोवर्धन परिक्रमा लगाए हो? कौन कौन परिक्रमा लगाए गोवर्धन की? आप देखना परिक्रमा करते करते ठीक राधा कुंड से तय ये उद्धव कुंड जी आते हैं। बोले अभी भी उद्धव जी वहीं पर घास रूप में, अभी भी उद्धव वहीं पर भजन कर रहे हैं, वहीं पर जाओ। तब उनने सारे महिषियों को लेकर के और सांडिल्य ऋषि, परिकृति महाराज, बज्रनाभ सबके सब उद्धव कुंड पर पहुंचे और वहीं पर मृदंग मजरा लेकर के भगवान की कीर्तन करते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार बोलो, जोर से बोलो, की उद्धव जी घास बन करके भजन कर रहे थे। साक्षात उद्धव प्रकट हुए। उद्धव जी को महेश्वर ने पूछा, हे उद्धव तुम ही ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, इसलिए तुम हमें सांत्वना प्रदान करो। देखो ये भागवत कथा की महिमा। उद्धव जी क्या कहते हैं? बोले देखो जब कृष्ण ये संसार छोड़कर के जा रहे थे, मैं भी वहीं पर था, मैं भी कृष्ण को यही बोला, कृष्ण तुम तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी तेरी विरह को हम सहन कैसे करें? तो उसी समय में ये बात कृष्ण खुद बोले। बोले कृष्ण क्या बोले? बोले देखो उद्धव जी, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ, मैं दूसरे रूप में भी रहता। बोले कैस रूप में? बोले ये भागवत रूप। अगर कलयुग में कोई व्यक्ति ये भागवत कथा सुनता है, क्या करता है मेरी तरफ में देखो, अगर कोई ये कलयुग में ये भागवत कथा कोई सुनेगा, कहते ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, इसलिए कलयुग में जो कथा सुनता है वही साक्षात भगवान कृष्ण से वही प्राप्त करता है कृष्ण को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी तक भी सेटिंग नहीं करवा रही, हरे कृष्ण। इसलिए जो भागवत कथा सुनता है किससे मिल रहा है? भगवान कृष्ण से मिलते हैं।
तब महिषियों ने बोले उद्धव जी फिर हमें तो भागवत कथा सुना दो। बोले ठीक है तुम लोग बैठ जाओ, अभी मैं तुम लोगों को में भागवत कथा सुनाता हूँ। तब उद्धव जी महिषियों को उद्धव कुंड पर देखो कि जो भागवत कथा है ना ये सर्वप्रथम ये भागवत कथा कहाँ पर हुई? श्री गिरिराज तलेट में हुई। कुसुमा सरोवर देखे होंगे, इधर कुसुमा सरोवर और दूसरे तरफ में उद्धव कुंड है, वहीं पर ही उद्धव जी हम लोग यहाँ 7 दिन तक कथा सुनेंगे। कितना दिन कथा सुनेंगे? 7 दिन तक। उद्धव जी कितना दिन तक कथा सुनाए? 1 महीना। उन्होंने पूरी 1 महीना तक वहाँ पर कथा सुनाई। जब 1 महीना तक उन्होंने कथा सुनाई, कथा जब विश्राम हो गया, कहते साक्षात कृष्ण वहीं पर, भगवान कृष्ण वहीं पर प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर के उन्होंने सबको उन्होंने भगवान कृष्ण दर्शन दिया। इसका मतलब है अगर हम लोग ये भागवत कथा सुनेंगे ना, ये भागवत से साक्षात कृष्ण हमें दर्शन देगी। कृष्ण दर्शन देंगे मतलब क्या है आप देख लेना। जब 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, ये कथा सुनते सुनते आपको इतने भक्ति रस आएगी, इतने तुम्हारी मन भगवान के चरण में रम जाएगी। 7 दिन के बाद में लगेगा जैसे हमारे मन प्राण चित्त कृष्ण चरण में ही लग गई है। आप देख लेना ये 7 दिन के बाद में आपको क्या होता है। अगर जब चले जाए ना, फिर आप लोग बोलोगे भैया अभी हम क्या करें। 7 दिन तक तो कथा सुनते सुनते कीर्तन करते करते 7 दिन बीत गया, अभी हम क्या करें। अभी हम मतलब कृष्ण में इतने तुम्हारी प्रेम हो जाएगी कृष्ण में, इसलिए कथा सुन सुन कर उनको साक्षात भगवत दर्शन, इनको भगवत दर्शन हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। थोड़ी इसको थोड़ी सी तेज कर दो, केवल इतना ही कर दो, ज्यादा नहीं। हरे कृष्ण, ठीक है इतना ही कर दो। इसलिए उन्होंने कहते जो भागवत है हम कल सुन रहे थे, भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए। हम कल सुन रहे थे श्रोता 2 तरह के, कितने तरह के? कहते एक श्रेष्ठ श्रोता है और एक साधारण श्रोता। जो श्रेष्ठ श्रोता 4 तरह के, कितने तरह के बोलो, कौन बोलेगा जिसको याद है? 4 में कोई एक श्रोता का नाम बोल दो, कौन बोलेगा बोलो, किसको याद, बोलो किसको याद है, बोलो बताइए जोर से, बोले सुना नहीं बोला। हाँ मधुमक्खी बोले ना, और हंसा, और क्या तोता। इसलिए कहते 4 तरह का श्रेष्ठ श्रोता। देखो और एक बार मैं सुना देता हूँ, इसको याद रखना ठीक है, फिर कल मैं पूछ लूंगा। पहला नंबर है मधुमक्खी। कहते एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी कहाँ बैठती है? गंदी चीज में देखना। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठती है? फूलों में। अगर कांटा के वृक्ष में अगर फूल भी नहीं होते ना, मधुमक्खी वहां भी बैठ करके सुंदर सुंदर शहद को लेकर के सुंदर छत्ता बना लेती है जो ठाकुर को सेवा में लगती है। इसलिए कहते हैं मधुमक्खी जैसे हर फूलों से शहद को ग्रहण करता है, हमें भी जीवन में सार को, सार हमें जीवन में आज लेनी चाहिए, असार को छोड़ देनी चाहिए। दूसरा तरह के हंस। हंसों को क्यों उदाहरण दिया? जैसे हंस को अगर दूध दो ना, वो देखना वो दूध दूध तो ले लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। इसका मतलब हमें जीवन में सार, सार तो हमें ले लेनी चाहिए और असार को हमें छोड़ देनी चाहिए। तीसरा कौन हो गया? मछली। मछली ये खीर समुद्र में रहता है, लेकिन आप मछली को देखना कभी इसकी पलक नहीं चलती, वो हर समय मछली की आँख खुली हुई रहती है, हैं? उसी तरह कथा कैसे सुननी चाहिए? एक मन से टकटक लगा कर कथाओं को सुननी चाहिए, हैं? और 4th नंबर हो गया तोता। बोले तोता को एक विशेषता तो है, वो किसी कच्चे फल में चोंच नहीं मारेगा, वो केवल पका हुआ फल में ही चोंच मारता है। मतलब है हमें कोई गंदी चीज में मुंह नहीं मारनी चाहिए, किसकी बुराई चर्चा उल्टा पलटा हो रहे हैं वहाँ नहीं मुंह मारनी चाहिए। कहाँ मुंह मारनी चाहिए? जहाँ भगवान की कथा हो,
हरी चर्चा हो, भगवान की कीर्तन हो, उसी में ही हमें अपना मन को लगानी चाहिए। गंदी चीज में मन हमें नहीं लगानी चाहिए। कभी चार तरह के हो गए अच्छे श्रोता और चार तरह के हो गए साधारण श्रोता। क्या क्या बोलो बोलो। हाँ, ऊंट है। ये ऊंट को अगर आप कोई बड़े सुंदर सुंदर कोमल कोमल बता दो, ऊंट नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा? कांटा। बबलू का पेड़ जिसमें कांटा हो उसको लेता है। मतलब क्या है? कभी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ हरि की चर्चा भगवत चर्चा हो ना, वहाँ उनका मन नहीं लगता है। मन कहाँ लगती है? जहाँ पर चौपट लगा करके कुछ बड़ी जाएगी माताएं, उसको छोड़ा ऐसे किया, उसके घर में बहू भी ऐसे हो गई या उनकी घर में लड़ाई, देखना बड़े आनंद लेते हैं बैठ बैठ कर भी सारा दुख। लेकिन जहाँ हरि की कथा हो ना, मन ही नहीं लगती। कभी ये लोग ऊट है। दूसरा नंबर क्या है बोलो? बैल। बैल को आप कोई सुंदर सुंदर कोई अच्छे अच्छे फल दे दो, नहीं तो घास भूसा दे दो, उसमें को कोई फर्क नहीं मानता है। हैं? कहते समझता है दोनों बराबर है। मतलब क्या है? कहते ठाकुर की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की बात हो, दोनों को जो बराबर मान देते हैं। कहते बैल। तीसरा नंबर क्या है? भूरू। कहते ये कैलाश पर्वत के ऊपर रहता है। इसका क्या गुण है? आप इसको जैसे सुनाओ ना, ठीक वैसे आपको सुना देगा, सुन भी लेगा सुना भी लेगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी नहीं उतारेगा। वो करते समय उल्टा काम करेगा, सुनेगा सुनाएगा, लेकिन अपना जीवन में ये कौन हो गए? कहते भोरू। चौथा नंबर कौन? हाँ, ये बच्चे की याद रखिए, ये भेड़िया। ये छोटा जाति का बाघ होता है, ये हिरणों को पकड़ नहीं पाता, लेकिन जब हिरण कहीं एक सुंदर सुलीली शब्द सुने, वो एकदम कान खड़े करके उसमें मुग्ध हो जाता है, सुनता है। ठीक उसी समय में ये भेड़िया ये हिरण का आक्रमण करेगा। मतलब क्या? मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कथा नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर पास में बैठ कर कहीं सुन भी रहे ना, उसको सुनने भी नहीं देते हैं। इसको भेड़िया कहते हैं। बोले कथा चार तरह का है। क्या क्या है बोलो? क्या क्या बोलो? ये तो हो गया। कथा चार तरह का कथा है। कैसे? क्या क्या बोलो? आप लोग कोई थे नहीं कल, हैं? बोलो क्या क्या? लता दीदी बोलो क्या क्या कथा चार तरह का? अब तो पुराने सबसे बोलो। हाँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। कभी ये चार तरह का कथा है। सात्विक की कथा किसको कहते हैं? कभी जो एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुन लिए, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं रहते। राजसी कथा जिसको कहते हैं, जिस कथा को तो उन्होंने करवाया, सबको बुलाया, बड़े ठार बार में कथा रखवाई, लेकिन स्वयं बैठ कर कथा नहीं सुन पाते। इसलिए स्वयं बैठ कर कथाओं को सुननी चाहिए, हैं? नहीं तो ये राजसी कथा हो जाएगा। तामसी कथा जिसको कहते हैं, ये 7 दिन तक कथा हुई, लेकिन कभी सुने कभी सुने ही नहीं, मन लगा नहीं तो चक्कर घूम करके आ गए, नहीं तो बीच में कहीं आ गए, किसी तरह से जो कथा को इस तरह सुन लिया। लेकिन कहते सही कथा क्या है? निर्गुण कथा क्या? बोले निर्गुण कथा उसे कहते हैं जिसने अपना जीवन को ही कथा बना लिया। रोज नियम करके रामायण हो, भागवत हो, भगवत गीता हो, रोज घर में नियम करके पढ़े, ठाकुर जी की मंगला आरती करे, तुलसी में पानी दे, जो कुछ खाए ठाकुर जी को भोग लगाए, घर में झाड़ू लगाए, तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हैं? रसोई बनाओ तो किसके लिए रसोई बनाता हो? ठाकुर को भोग लगेगा। मतलब हर काम में जिनकी भगवत याद रहे, भगवत स्मरण छोड़ करके जिसका कोई और कोई स्मरण नहीं हुए, और क्या कर रोज भी शास्त्र को पढ़नी चाहिए। हाँ देखो, ध्यान से सुनो, हमारे जो बड़े गुरु जी थे, इनको किसी एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी गुरु जी बेटा मेरा बात नहीं सुनता है। क्या नहीं सुनता है? ये दुनिया की बात है, बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, हैं? इतने में गुरु जी ने बोले, बेटा तू रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बेटे को रामायण कभी पढ़ने के लिए बोले? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, रामायण नहीं पढ़ाएगा, तो उसका भी यही दुर्गति होगी। कहाँ पर लिखा हुआ है पिता माता की सेवा करनी चाहिए? कहाँ पर लिखा हुआ? रामायण में लिखा हुआ, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमा था।
ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, पिता माता की पहले चरण छूते थे। रामायण देखे होंगे ना, जब दशरथ महाराज सैन्य किए हुए भगवान राम क्या कर रहे थे, पिताजी की चरण की सेवा कर रहे थे। जब रामायण पढ़ेंगे तभी ये सब चीज हमें शिक्षा मिलती है, पिता माता की बात सुननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। भगवान 14 साल के लिए वनवास गए, इसके आदेश पालन करने के लिए पिताजी। अगर तुम्हारे बच्चे को बोलो भगवान राम तो 14 साल के लिए गए, तो 14 दिन के लिए पिता माता के आदेश को पालन करने के लिए कोई काम में चले जा, पिता बेटा जाएगा? आप देखना 14 दिन के लिए तो घूमने के लिए मनमान जा सकता है, लेकिन पिताजी की सेवा करने के लिए नहीं जाएगा, हैं? सेवा करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए कहते रामायण अगर पढ़ो ना, ये सब चीज कहाँ पर लिखा हुआ, रामायण में लिखा हुआ है। इसलिए अगर हम स्वयं रामायण पढ़े, बच्चे को बोले तू भी रामायण पढ़, लेकिन हम ये नहीं करते, स्मार्टफोन देते बेटा ले 20-30-50 हजार रुपया बच्चे को स्मार्टफोन, हम बताओ बच्चे का संस्कार कहाँ बनेगा। इसलिए पहला गुरु माता पिता है, तभी बच्चे संस्कारी बनेंगे। पहले तो पिता माता को भक्ति करना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा, रामायण सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बच्चे तो पिता माता से ही सीखेंगे ना, कहाँ से वो सीखेंगे। अगर मैया 3 वर्ष स्मार्टफोन लेकर बैठी, बच्चे को बोलता तो स्मार्टफोन मत दिखा कर, बच्चे सुनेगा तुम्हारी बात? सुनेगा नहीं, बोल तू तो 3 वर्ष लेकर तू बैठी हुई हो और हमें कहता तू मत देखा कर। इसलिए पहले पिता माता को, सबसे पहले पिता माता को भक्ति करना पड़ेगा, फिर बच्चे संस्कार बनते हैं। इसलिए निर्गुण कथा उसको कहते हैं जिसने अपना जीवन को ही प्रभु की भक्तिमय बना दे, प्रेममय भगवान अपना जीवन को बना दे, कभी ये सही कथा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
दोनों को पूजा करनी चाहिए, राधा और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
इसलिए बोले ना राधे 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 रटो चले आएंगे आएंगे बिहारी, इसलिए राधा जी का नाम लेने से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण का नाम लेने से सिर्फ राधारायण खुश होते हैं, इसलिए दोनों को ही पूजा करनी चाहिए। बोले श्री जुगल सरकार की, इसलिए वृंदावन में कभी जाना देखना किसी मंदिर में अकेले कृष्ण कोई नहीं देखो, वो राधा कृष्ण राधा कृष्ण, जैसे बांके बिहारी आप देखो खड़े हुए लेकिन उनको बाम पास में देखोगे सिंहासन है जिसमें श्री मुकुट श्री राधा रानी को, जैसे राधा बल्लभ में जाओगे अकेले कृष्ण देखोगे लेकिन उनको बाम पास में देखोगे राधा रानी के रूप में मुकुट की पूजा होती है, क्योंकि अकेले कृष्ण कहीं भी नहीं रहते हैं, उनका मन ही नहीं लगता है कृष्ण के बगैर। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, कभी अगर जगन्नाथपुरी जाओगे कभी सौभाग्य तुम्हारी होगा, पुरी गए हो कोई? पुरी गए, ठीक पुरी से एक स्टेशन पहले, उस स्टेशन का नाम है साखी गोपाल, क्या नाम है? साखी गोपाल। ये जो गोपाल जी पहले ये वृंदावन में थे, दो ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए आए थे, एक वृद्ध और एक जवान, दोनों ब्राह्मण जो पूरा तीर्थ घूमते घूमते जब वृंदावन में साखी गोपाल मंदिर में रुके, रुकने पर जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो जो जवान ब्राह्मण इतने सेवा की वो खुश हो गया, बोले बेटा अगर तू नहीं होता मैं कभी ये वृंदावन धाम ये धाम दर्शन नहीं कर सकता था, तेरी कृपा से मैंने दर्शन किया, तू मेरे बेटे जैसे जैसे घर में जाएंगे ना मेरी एक सुंदरी बेटी है, ये बेटी को मैं तेरे से शादी मिला दूँगा। उसने कहा देखो आपकी बेटी से शादी करने के लिए आपने सेवा नहीं की, आप वृद्ध ब्राह्मण हो पिता की बराबर हो, मैं तो अपना पिता मान करके आपकी सेवा की, इसलिए बेटी के लेने के लिए नहीं। बोले देखो अगर तू नहीं होता तो मैं कभी ये तीर्थ कर नहीं सकता था, इसलिए बेटे से भी ज़्यादा तुमने सेवा की, इसलिए मैं कहता हूँ मैं अपना बेटी दूंगा। बोले यहाँ तो बोल दिए, अगर फिर घर में जाकर मुकर गए तो उन्होंने बोले देखो ये गोपाल जी है ना बड़े, इनसे मैं साथी करके देता हूँ, मैं अपना बेटी को दूंगा। अभी वापस गए लेकिन ये जो दोनों ब्राह्मण हैं, जितने भी दोनों ब्राह्मण हैं, जो वृद्धा ब्राह्मण उच्च जाति के ब्राह्मण और जो छोटा ब्राह्मण वो नीचे जाति का ब्राह्मण है ब्राह्मण, लेकिन आपको पता है जात में हम चाहते हैं अपना जात कहीं बेटी को शादी दिलाए। बोले अगर तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में राजी नहीं होंगे, बोले बेटी मेरी है, घर में आए बच्चों को जो पूछे ना बच्चे इतने बिगड़ गए, बोले हमको पता नहीं हम उच्च ब्राह्मण हैं वो नीचे जाति का ब्राह्मण है, फिर दुनिया में हम मुँह कैसे दिखा नाका कटवाऊँ क्या, अगर हमारी बहनी को शादी करवाए ना हम सबके सब जहर खा के मर जाएंगे, हम अपना बहनी को नहीं दे सकते हैं। बोले वहाँ पर मैंने साखी गोपाल को साखी करके आया, बोले पत्थर थोड़ी बोलता है, वो पत्थर थोड़ी बोलेगा, बोले कोई चिंता मत करो अगर दो बार आया ना वो ब्राह्मण फिर हमको इशारा कर देना और इतना बोल देना मैंने क्या कहा था नहीं कहा था याद नहीं फिर हम देख लेंगे। वो ब्राह्मण आया और उन्होंने इतना ही बोल दिया जे मेरे को याद नहीं मैंने क्या कहा नहीं था, इनका परिवार इतने बिगड़ गए। बोले हमारे पिताजी को पास में बहुत सारी संपत्ति था, तुमने धतूरा खिला करके पागल बनाया, सारे संपत्ति मेरे पिताजी से पैसा ले लिया, फिर हमारी बहनी से शादी करना चाहते हो, वो डंडे लेकर के मारने के लिए दौड़े और उन्होंने तो वहां से भाग लिया। फिर उन्होंने गाँव पंचायत को बुलाया, उन्होंने बात को रखी, देखो ध्यान देकर सुनो ये ठाकुर कैसे है, जब उन्होंने साखी उन्होंने बुलाया ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत वाले बोले कोई क्या साखी है क्या, बोले हाँ वृंदावन में एक ठाकुर जी कृष्ण थे गोपाल जी थे, हम उनको साथ उनको सामने ये बात हुई है, बच्चों को मौका मिल गया भैया वृंदावन से ठाकुर को गोपाल जी को बुला कर मिले फिर तो शादी करना, लेकिन इसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर जी आएंगे। वो चलते चलते कहाँ से जगन्नाथपुरी से वृंदावन कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर होगा, 1000 किलोमीटर होगा, 1500 किलोमीटर वो चल चल कर गए, जा करके वृंदावन में, वृंदावन गए आप लोग कौन कौन वृंदावन गए, वहाँ पर देखना कि रंग जी मंदिर बहुत बड़ा रंग जी का मंदिर, उसको सामने वो ठाकुर जी थे वहाँ पर आए, बोले ठाकुर जी आपको सामने वो ब्राह्मण ने आपको साथी करके बोला था अपना बेटी को शादी देने के लिए, लेकिन वहां जाकर मुकर गया, इसलिए आपको जाकर के साथी देना पड़ेगा। देखो ठाकुर स्वयं बात करते हैं,
बोले बेटा तुमने कभी सुना है ठाकुर को चलते चलते हुए? बोले अगर चलते हुए नहीं सुना तो ठाकुर जी कभी क्या बोलते हैं? जब आप बोल रहे हो आपको चल करके जाना पड़ेगा। ठाकुर तो फंस गए। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, एक काम करो मेरे को एक से मतलब एक किलो चावल का खिचड़ी बना कर देना और देखना बेटा, मोड़ करके देखना नहीं, फिर मैं नहीं चलूंगा। बोले पता कैसे चलेगा आप आ रहे हो? बोले मेरे प्यार में नुपुर बांध लो, नुपुर का छम छम आवाज से तेरे को पता चलेगा। ठाकुर जी एक किलो चावल का खिचड़ी खा लिए और चल चल चलते आए कहाँ से, वृंदावन से, कटक, नाम सुने होंगे जगन्नाथपुर से पहले कटक है, वहाँ जब आए उनको प्यार तो रेत में धसना शुरू हो गया और जो नुपुर की छम छम आवाज आ रही थी बंद हो गई। उसने सोचा भैया इतना दूर आ गए, नुपुर का छम छम आवाज आ रही थी, अगर जा करके देखा अगर ठाकुर नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा। बोले पास में तो आ ही गया, एक बार मोड़ करके देख लेता हूँ। घूम करके देखा है ना, ठाकुर जी त्रिभंग ललित रूप में बंसुरी बजाते बजाते ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले देख बेटा तेरे को मैंने कहा था पीछे मोड़ कर देखोगे, मैं नहीं जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा, राजा को बुला करके ले आऊँ। पूरा उन्होंने जाकर के हल्ला मचा दिया उत्पुरी में। स्वयं श्री ठाकुर जी वृंदावन से चलते चलते गोपाल जी आए, राजा रानी सब के सब सारा राज्य देखने के लिए आया। वृंदावन से ठाकुर जी चलते चलते कटक तक आए, सारा दुनिया देखने के लिए आए और ठाकुर जी सबके सामने ठाकुर जी साखी किया। हाँ ये वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे को साखी करके बोला था अपना बेटी इसको देने के लिए, लेकिन ये परिवार की दबाव में आकर के अपनी बेटी नहीं दे रहा है, ये सच कह रहा है। ठाकुर स्वयं उन्होंने साखी दिया। जब साखी दिया अभी राजा की एक रानी थी, पहले से भक्ति करने वाले होते थे, अभी उन्होंने देखा सुंदर ठाकुर जी बड़े सुंदर है, लेकिन रानी को पास में ना हीरे का एक बेसन, अब नाक में पहनकर ना जो बेसन उसको पास में थी, वो सोच रही थी अगर ठाकुर जी के नाक में छेद होता है ना, मेरे पास में जो हीरे की बेसन ठाकुर को पहना देती। वो मन मन में सोच कर भी गई, लेकिन रात को जब सो गए ठाकुर जी सपने में आए। बोले रानी आप चाहती हो मेरे नाक में बेसन पहनाने के लिए, मैं जब छोटा गोपाल था कृष्ण था मेरी मैया ने मेरे नाक में छेद बना कर रखा, लेकिन धूल में वो जम गई है, तो बेसन लेकर के आ और मेरे नाक में अभी भी छेद है और हमें ये बेसन पहना दो। रानी स्वप्न देखकर जग गई, राजा को सारी कथा सुनाई, ऐसे ऐसे बात, बोले चलो हम बेसन लेकर के चलते हैं। सचमुच से आकर के देखा है ना ठाकुर को नाक में छेद, ठाकुर जी का नाक में छेद, फिर उन्होंने ठाकुर जी नाक में उन्होंने बेसन पहना दिए। देखो ठाकुर जी कितने, अभी कृष्ण अकेले, उनको पास में राधा रानी नहीं, अभी कृष्ण सोच रहे हैं अकेले कब तक खड़े रहूंगा, मेरी राधा रानी नहीं है, हैं मेरी राधा रानी पास में आ जाए, ठाकुर जी की मन में इच्छा है। लेकिन वो जो पुजारी जो पूजा करता था, स्वयं राधा रानी पुजारी की बेटी बन कर गया है। अभी ठाकुर जी को मंदिर में तो सुलाते हैं, ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते, कहाँ पर सोते हैं? पुजारी का जो बेटी थी ना, राजा जाकर के बेटी को सामने रात को सोते हैं। एक दिन क्या हुआ, ए बच्चों ए चुपचाप यहाँ बैठो, इसलिए एक दिन क्या हुआ, जैसे ठाकुर को जैसे अब नियम है, ठाकुर जी को जब स्क्रीन लगा देते हो मंदिर, जब ठाकुर जी को जगा होना ऐसे नहीं हठात खोल कर दो, क्या करनी चाहिए, क्या करते हो बोला आप लोग, क्या करते हो सब चुपचाप बैठे हो, ताली बजाओ नहीं तो कोई घंटी बजाओ, पता नहीं ठाकुर जी अंदर में क्या कर रहे हैं राधा रानी के साथ में। अभी देखो जो ठाकुर जी को, अभी तक ठाकुर जी मंदिर में नहीं, कहाँ पर पुजारी की बेटी के पास में सो रहे कृष्ण। इतने में पुजारी आया और वहां पर बहुत बड़ा बैल, उसको बजाते हैं ठाकुर को जगाने के लिए, जो बैल बजाए ना ठाकुर तो मंदिर में है नहीं, ठाकुर कहाँ पर थी, पुजारी की बेटी के पास में सो रहे थे ठाकुर जी, क्योंकि उसके बेटी राधा रानी बन करके आई। जब उन्होंने बैल बजाए ठाकुर तो जग गए, बोले अभी तो मैं मंदिर में है नहीं, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ। इतने में ठाकुर जी जल्दी जल्दी आए और आते समय ना अपना जो बंसुरी थी वो बंसुरी जो बेटी को पास में सोने की बंसुरी छोड़ कर चले गए और ठाकुर जी आकर सीधा खड़े हो गए। जब खड़े हो गए
इतने में पुजारी जब दरवाजा खोले ना, देखा ठाकुरी को हाथ में सोने की बंसुरी है नहीं। पुजारी तो हल्ला मचा दी, ठाकुर की सोने की बंसुरी कहीं चोरी हो गई। राजा सियाही लगाई, देखो सोने की बंसुरी कहां पर, और ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी को घर में ही और सोने की बंसुरी मिली। राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट तुमने सोने की बंसुरी चोरी करके हल्ला मचा दिया, चोरी हो गई सोने की बंसुरी, जेल में बंद कर इसको। अभी राजा जेल में बंद कर दिया, ठाकुर जी ने देखा हे भगवान मेरी ससुर साहिब अभी जेल में चले गए, लेकिन बंसुरी तो मैंने रख कर आया और मेरे ससुर जी अभी चले गए जेल में। खैर उन्होंने ठाकुर जी स्वप्न दिया, स्वप्न दिया राजा तुम मेरे को अकेले खड़े कर दिए, राधा रानी के बगैर मेरा मन नहीं लगता है। अभी मेरी जो राधा हरणी है ना वो राजा की बेटी बन करके आई, मैं मंदिर में नहीं सोता हूँ, उसको बेटी को पास में जा करके मेरे सोता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा सो गया। मंदिर जब जगाए मैं जगा तो देखा पुजारी मंदिर खोलने वाले जल्दी से आया तो बंसुरी वहीं पर छोड़ दिया, वो मेरे ससुर है उन्होंने चोरी नहीं किया मैंने रखा है। एक काम करो मेरी जितने अलंकार गहना है हैं ये सब के सब लो और वो बेटी को दुल्हन बनाओ, दुल्हन बनाकर के पालकी में बैठाओ और वो बेटी को ले आओ तो मेरे से शादी कराओ। राजा बोले भाई ठाकुर का ससुर को मैंने बंद कर दिया जेल में, फिर जाकर के माफी मांगे दरवाजा को खोले माफी मांगे जेल से उसको लाए, फिर उनकी जो बेटी को दुल्हनी बनाए और खूब गाजा बाजा को साथ में उन्होंने ठाकुर को साथ में शादी कराया। जब अंदर में छोड़ दिया ना मंदिर अपने आप बंद हो गई, अपने आप मंदिर बंद हो गई। थोड़ी देर बाद में खोला वो बेटी है भी अंदर में, वो बेटी नहीं। फिर उन्होंने देखा राधा रानी के बगैर कृष्ण कभी नहीं रह सकते, इसलिए अभी भी आप जाओगे कभी अगर सौभाग्य तुम्हारी हो, कभी अगर जाओगे कभी जगन्नाथपुरी, वहाँ एक स्टेशन है उसका नाम साकी गोपाल है, ठाकुर का नाम पर देखो तो बड़ी सुंदर राधा रानी को उन्होंने फिर स्थापन किया। इसका मतलब है घर में अकेले कृष्ण को रखोगे ना कृष्ण का मन नहीं लगेगा, तो राधा रानी के बगैर कृष्ण का मन नहीं लगेगा। जैसे घर में गोपाल रखे हो आप देखना कभी कभी छोटी छोटी राधा रानी भी आती है, जो हांटू में चलने वाले छोटी छोटी राधा रानी है, इसलिए कोशिश करना कृष्ण को पास में श्री किशोर जी बनने के लिए, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा नहीं, इसलिए वृंदावन जाओ तो किसका नाम लेते सब के सब, जोर से बोला और जोर से बोले श्री राधा रानी की। इसलिए ये जो पहला जो श्लोक है वो ध्यान करते हैं, किसको ध्यान करते हैं श्री जुगल सरकार को, राधा कृष्ण को ध्यान करते हैं। और भागवत का जो दूसरा श्लोक मंगलाचरण का ये प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा भागवत लेता है, कहते एक श्लोक में उन्होंने तीन प्रतिज्ञा ली। जैसे किसी बात को जब हम तीन बार बोल देते ना पक्की हो जाते हैं, त्रिसत्य कहते हैं, इसलिए भागवत तीन तीन बार प्रतिज्ञा करता है। पहला प्रतिज्ञा है धर्म प्रजीत कैतव अत्र, मतलब ये श्रीमद् भागवत में कोई कपटता का बात नहीं, जहां पर धर्म अर्थ काम यहां तक मोक्ष को भी यहां पर तुच्छ कर दिया, केवल जहां पर भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति की बात जहां पर बताई, बोले इसमें किसकी कौन इसमें अधिकारी, बोले निर्मत सरा जिनके हृदय में कोई कपटता नहीं हो मात्सरता नहीं हो, जिसके हृदय जो सरल है उन्हीं के लिए ये श्रीमद् भागवत है। बोले इसमें जो दूसरा अत्र है बोले वेद्यम वास्तवम अत्रम, कहते भागवत में इधर आ जा, इसलिए भागवत में जो वास्तव सत्य जो भगवान है उनकी भगवान की कथा श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। बोले जो तीसरा अत्र है भागवत में, देखो ध्यान देकर सुनो, ये कथा सुनने का तो बहुत महत्व है ही है, लेकिन अगर किसकी मन में केवल इतनी सी इच्छा अगर हो जाए मैं कथा सुनना चाहती हूँ नहीं तो कथा सुनना चाहता हूँ, अगर इतनी अगर किसकी मन में इच्छा हो जाए ना, देखो कितना बड़ा भागवत प्रतिज्ञा लेता है, बोले सद्य हृत अवरुद्ध अत्र कृति सुश्रुपी तत्नाथ। जैसे श्री राजेंद्र जी घर में कथा हो रही है, अभी अपने कथा सुनने नहीं आई, घर में हो पता चला कथा हो रही है,
इसकी मन में अगर इतनी सी मात्र इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी, ये तो कथा सुनने जाऊंगा, अगर इतनी सी अगर कोई बोल दे ना लगे तू कथा सुनने चले जा, घर का काम तो मैं संभाल लेती हूँ, अगर जिसने इतनी सी अगर बात भी बोल देना ठाकुर जी उसको हृदय में आ करके उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति घर के अंदर में जाए और अपने आप को कुंडी से बंद कर दे, कुंडी से अपने आप को बंद कर दे, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान उसके हृदय में ऐसे बंद जाते हैं ठाकुर जी, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, केवल सुनने की इच्छा मात्र रखे। अगर सचमुच से अगर कोई आए और भागवत कथा में बैठ करके कथा सुनने लग जाए, बोले उसकी सौभाग्य तो हम बता ही नहीं सकते हैं जो आ करके कथा में बैठ करके कथा सुनता है। इसलिए कल सुन रहे थे ना, स्वर्ग में देवता लोगों का सौभाग्य में भी कथा नहीं होता है, ब्रह्मा लोक में भी कथा नहीं, शिव लोक में भी कथा नहीं, यहाँ तक वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः पिबंतु, हे भाग्यशालियों ये भागवत कथा को मुँह रहो, पुनः पुनः ये कथा रस को पान करते रहो, ये कथा को छोड़ना नहीं, कथा को पान करते रहना। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं कभी कथा कौन सुन सकते हैं, बोले दो व्यक्ति सुन सकते हैं, बोले भावु का और रसी का, जो भावु के है और जो रसी के है वही दो व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जिसको ऊपर में ठाकुर जी की थोड़ी बड़ी कृपा नहीं, विशेष कृपा जिसको ऊपर में हो, पाप देही यह संगत सही पार्वती, तभी कथा में कोई आ सकता है, तभी कथा में कोई आएगा, नहीं नहीं आएगा। कल बता रहे थे ना, जैसे तुम्हारे घर में शादी है, शादी तुम जिसको निमंत्रण कार्ड दोगे वही आएगा ना, अगर कोई अमेरिका लंदन फ्रांस में तुम्हारे कोई परिवार के लोग है अगर वहां नौता दोगे वहां से वो आएगा, लेकिन तुम्हारे घर को पास में एक व्यक्ति है, 9 इंच दीवार को लगा हुआ एक व्यक्ति, अगर उसका तुम नौता नहीं दोगे तुम्हारे घर में आएगा वो व्यक्ति, बोला आएगा, क्यों नहीं आएगा, चूंकि तुमने नौता नहीं दी, लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति अगर नौता दोगे तो यहाँ से आएगा। शंकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भागवत में कौन कौन आए, बोले ठाकुर जी ने जिसको नौता दिया, अभी तुम्हें नौता देने का जरूरत नहीं, हाल फोन कर दो ना, फोन में भैया हमारे घर में शादी आ जाना, इसलिए माना ठाकुर जी क्या किया है, आप लोगों को फोन किया, किसको किसको क्या हाथ उठाओ, ठाकुर जी ने फोन किया ना, इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ठाकुर को जिसको नौकर दिया ना, निमंत्रण दिया, वही आया, वही आया है, देना घर के पास में कितने लोग होते कौन आया होगा, लेकिन ये देखो इसको पूछो, ये इसको पूछो कि गोपी को कितने दूर से आया है, और देखो माता जी को पूछो कितना दूर से आया, बड़े बड़े दूर से कोई कोई आए लेकिन घर के पास में नहीं आए, क्यों क्यों नहीं आए, ठाकुर को कृपा उसको घर में नहीं, ठाकुर जैसे गोपियाँ
जैसे भागवत में जब रासलीला से पहले कृष्ण बंसुरी बजाए, लेकिन जब कृष्ण बंसुरी बजाए ना वृंदावन में कितने सखा सखी वहां पर कितने लोग थे, लेकिन रासलीला में सब थोड़ी आ रही नहीं आए। क्यों? कृष्ण जिसको बुला रहे थे ना, कृष्ण वही रासलीला में वही केवल आए, सब रासलीला में नहीं आ पाए। और रासलीला में जब कोई आए ना, ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले स्वागतम मे महाभागा। कृष्ण स्वयं कहते हैं जगत में तुम सबसे बड़ी भाग्यवती हो, जो कि इस घर का सारे काम काज को छोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आई। इसलिए कहते जो व्यक्ति ये भागवत कथा में आते हैं ना, ठाकुर जी उनको स्वागत करते हैं। तुम बोलो बड़े सौभाग्यवान जो कि घर के सबका घर में कुछ ना कुछ काम, ठीक नहीं, बिना काम का तो कोई नहीं होते हैं। लेकिन इस सारे काम का पीछे करके कहाँ पर आए हो? भगवान की कथा सुनने के लिए आए हो। इसलिए ठाकुर जी जो कथा सुनने के लिए आते ठाकुर को स्वागत करते हैं। महाभागा कहते जगत में सबसे बड़े भाग्यवान तुम हो जो मेरी कथा में आए हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। कहते जो मंगलाचरण का जो तीसरा श्लोक है वो आशीर्वाद देता है। बोले भागवत सुनने से क्या मिलेगा, आशीर्वाद क्या देता है, देखो सुनो। बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भूमि भावुका। बोले आप लोग कथा नहीं सुन रहे, हम कथा नहीं सुन रहे, क्या कर रहे हैं, पर ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे, ये भागवत नहीं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब क्या, जो मांगोगे ना भागवत में वही दे देगा, वही दे देगा। तो गुरु जी कथा सुनाते थे, कोई एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। शिकार खेलते खेलते बड़े दूर चला गया, वो थक गया, एक पेड़ को नीचे बैठ गया। उसको पता नहीं था ये कल्प वृक्ष। जब पेड़ को नीचे बैठ गया सोच रहा है अगर इसी समय में राजमहल में होता है ना, रानी कितने सुंदर जूस कितने सुंदर शरबत लेकर के आती मेरे को पिलाती, यहाँ पर कौन देगा। लेकिन पता नहीं था वो वृक्ष कल्प वृक्ष है। वो इतना इच्छा किया ना, स्वर्ग से बड़ी सुंदर सुंदर अप्सरा उतर कर आगे, हे बड़े सुंदर अनानास रस के जूस आप पे लेकर जूस बड़े सुंदर सर जूस ला करके बोले महाराज पियो। हाँ इच्छा करते पहुंच गया। इतने में सोच रहा है अगर मैं राजमहल में रहता क्या होता, रानी छापन भोग छत्तीस व्यंजन मेरे को बना कर खिलाती, इच्छा करते स्वर्ग से बड़ी सुंदरी सुंदरी अप्सरिया छापन भोग छत्तीस व्यंजन। बोले महाराज भजन कर चकाचक भजन कर। बोले भैया जो बोलो वही आ जाती है। फिर सोचा अगर मैं राजमहल में होता कितने सुंदर हैं बेड में झांक जैसे मुलायम में बेड में बड़े सुंदर गजदत्त पलंग के ऊपर में मैं विश्राम करता। ए बोलते ही कहाँ से फिर आ गया सुंदर सुंदर हैं मखमल वाले जैसे कपड़े में बड़े सुंदर बेड आ गया। जब सोने के लिए गया ना इतने में वहां पर एक शेर ने दहाड़ मारे। शेर के दहाड़ सुन करके वो कल्प वृक्ष था ना, इतने में बोले भैया ये शेर नहीं आ जाए। लेकिन वो वृक्ष कौन सा वृक्ष है जो उसे सोचोगे ऐसे होगा, वो शेर नहीं आ जाए। बोलते ही शेर सामने आ गया। बोले मेरे को खा नहीं जाए, झपट मार इसको खा गया। लेकिन देखो वो जो कल्प वृक्ष और ये कल्प वृक्ष में अलग महत्व है, ये ऐसे नहीं। ये जो कल्प वृक्ष भागवत को हमें माँ बताया, ये भागवत क्या है, ये माँ। जैसे माँ कभी बच्चों का अमंगल कभी नहीं सोचती। अगर बच्चे अगर मैया से बोले जहर, मैया बोलेगी बेटा जहर क्या कर, बोले खाऊंगा, थप्पड़ मारेगी। बोले जहर कोई खाने का चीज ले, लड्डू खा रोटी खा सब्जी खा, जहर कोई खाने का चीज है। कहते जो भागवत है ये हमारी माँ है, ये हमारे जो कल्याण का चीज हो ना ये भागवत हमें वही देगा। भागवत हमें कभी अमंगल चीज देगी नहीं, क्यों, भागवत हमारी ये माँ है। बोले श्रीमद भागवत कथा वृंदम की। इसलिए कहते जो भागवत है हम जिस वृक्ष को नीचे बैठे कथा सुन रहे हैं ये कल्प वृक्ष है, ये समस्त इच्छाओं को ये हमारी पूरी करने वाले कल्प वृक्ष। लेकिन यहाँ सावधान भी और एक चीज करते हैं, बोले भैया छोटे मोटे चीज मत मंगा करो भागवत से, ऐसे एक चीज मांगो। बोले ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो ना तुम जीवन में सब कुछ मिल जाएगी।
हैं, सब कुछ मिल जाएगी। बोले कैसे चीज किया? बोले प्रभु का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा मांग लो ना, सब संपत्ति अपनी आप तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम पिताजी के अगर बेटा बन गया, पिता तो साधारण है नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक के तुम संतान हो, अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। कहना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व ममदेव। भगवान हमारे पिता है, हम भगवान के औलाद हैं। अगर उनकी सेवा भक्ति मांग लिया ना, क्या होगा? माता जी वो लाइट तो जला दो, लाइट जला दो। इसलिए जब भगवान की भक्ति मांग लिया, प्रेम मांग लिया, पिताजी की बेटा बन गया तो पिताजी के सारे संपत्ति का मालिक तो तुम ही बन जाओ, हैं? तुम ही बन जाओगे। इसलिए भागवत से भगवान की भक्ति प्रेम मांगो। देखो छोटी सी कथा सुनो, जो एक चीज मांगो सब चीज मिल जाए। कोई एक व्यक्ति था जो भोले बाबा को पूजा, अभी भोले बाबा संतुष्ट हो गए, बोले बेटा बर मांगो। वो व्यक्ति था अंधा, क्या था वो? अंधा। बोले मेरे को बर मांगो, बोले मेरे को तीन बर चाहिए। ये पहले सोच करके आया था, बोले अगर शंकर जी खुश हो जाएंगे कितना बर मांगूंगा, क्या क्या? बोले पहला बर तो मांगूंगा मेरे को आंख मिल जाए, दूसरा बर मांगूंगा कुछ पैसा मिल जाए, और तीसरा बर मांगूंगा किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो पहले ही सोच करके आया था, लेकिन ये शंकर जी ने कहा देख बेटा तीन बर नहीं एक बर दूंगा, जो मांगना एक बर से मांगना पड़ेगा। लेकिन वो अंधा बड़ा चतुर था, बोले शंकर तो कहते एक बर मांगो तीन नहीं दूंगा। बोले ठीक है एक बर दो। बोले क्या? बोले मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी को ऊपर बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए मैं देखा। समझ गए कि नहीं? क्या मांगे? अपना बेटे को राजमहल में कौन रहता है? राजा। हाथी के ऊपर कौन बैठता है? राजा महाराज। सोने की कटोरी में कौन खाएगा? वो भी राजा महाराजा। दूध भात खाते हुए बेटे को देखो, बेटा कब होगा? जब शादी हो जाए। देखेगा कब? आंख हो जाए। शंकर जी बोले भाई बढ़िया, बड़ा चला गया, वो तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। हाँ देखो, इसका मतलब है भगवान से ऐसे एक बार मांगो जो एक बार में ना सब कुछ मिल जाए। ये चीज हनुमान जी से सीखनी चाहिए। किससे सीखनी चाहिए? हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान को जानते हो? सब जानते हो, हैं? हनुमान जी गुरु जी। जब भगवान राम ने हनुमान जी को बोले बेटा, जब माता सीता को उधार करके ले आए, बोले बेटा अगर तू नहीं होता तो माता सीता का उद्धार नहीं होता, आज तू जी भर कर जो मांगना मेरे से मांग। तो हनुमान जी क्या मांगते हैं? बोले बार बार बर मांगो हर सी देहो श्रीरंग पद सरज अनुबाइनी भक्ति सदा सतसंग। हनुमान कहता है बोले प्रभु एक बार नहीं, बोले बार बार बर मांगो। अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, क्या दो? आपकी चरण की सेवा दो, भक्ति दो, अहित की निष्काम प्रेम दो, संतों की संग हमें दो। देखो हनुमान को क्या नहीं मिला हुआ जीवन में? सब कुछ मिला हुआ। राम का भक्त बन गया तो सब कुछ हनुमान जी को मिला, हैं? हनुमान जी को। इसीलिए कहते हैं हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए, कहते हैं भागवत किया है, बोले निगम कल्प तरुण घनितम फलम। ये जो भागवत है ये कल्प वृक्ष का पक्का हुआ फल है। एक तो पक्का हुआ फल है ही है, फिर उसने सूप ने तोता ने चोंच मार दी। जब कोई तोता किसी फल में चोंच मार देता है ना, मतलब कच्चा फल में चोंच नहीं मारता, पक्का हुआ फल में मारेगा। मतलब भागवत पूरा पक्का हुआ फल, और चोंच मारते ही एक कहावत है, जिसमें तोता ने चोंच मार देता है वो फल में ज्यादा मिठास आ जाता है, उसमें ज्यादा मिठास आ गया। बोले क्यों मिठास आ गया? पहले सुना ना, ये सूप जो पक्षी को साधारण नहीं, सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की ये प्रिय सखी है, हैं? जब उनकी मुंह से कथा निकले ये आनंद ही आनंद है। इसलिए बोले क्या करो भैया, खूब पियो इसको, क्या करो? खूब पियो। लेकिन यहाँ के प्रश्न होता है, कहते पहले ही बता दिया ये फल है, फिर कहते हैं अब पियो। अब बताओ फल को पीते हो ना, फल को खाते हो? अरे जोर से बोलो। कहते ये ऐसे के फल है ना जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका नहीं,
इसलिए इसको पियो, जैसे अभी कथा रस को आप पी रहे ना खा रहे हो, पी रहे कि नहीं? जब कोई चीज को पीते हैं मुंह से पीते ना कान से पीते हो, अरे बोलो जोर से, मुंह से पीते हैं। अभी जिस रस को पीता हो किधर से पी रहे हो? कान से। कभी ये ऐसे के रस है ना जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किधर से पी जाती है? कानों से। देखो कानों में पीने का मुंह में पीने का लाभ है, एक इसमें के फर्क है। अगर कोई चीज तुम मुंह से पियोगे, कोई भी चीज मुंह से पियो, आप अंदर में नहीं रख सकते, वो निकलेगा, वो निकलेगा कि नहीं? वो निकलेगा, रख नहीं सकते हो। लेकिन जब कोई चीज को कानों से पीते हो ना, कोई निकलने वाले नहीं। इसलिए भागवत भक्ति रस को मुंह से नहीं पी जाती है, किधर से पी जाती है? कानों से पी जाती है। बोले भैया पीते तो वही निकले, निकल जाती रहती नहीं अंदर, ये भी छेद हमारे अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, छेद ही छेद है, हैं? क्या करे? बोले मुंह रहो, हर समय इसको पीते रहो, छोड़ना नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आपसे एक प्रश्न, प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है? देखता हूँ कौन उत्तर देता है। हमारे भक्त लोग तो जानते हैं, जो नए लोग आप लोग बोलना, जैसे कि घड़ा है उसमें छेद ही छेद है, अगर उसमें कोई चीज डालोगे तो निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा छेद ही। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर कोई चीज डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा, एक बूंद भी नहीं निकलेगा। जो हमारे भक्त लोग तो बोल रहे हैं, सुने नहीं, अब जो नए लोग बोले तो क्या ऐसे उपाय है, भले ही जिसमें छेद क्यों नहीं हो लेकिन एक बूंद भी नहीं निकलेगा, क्या उपाय बोलो? अरे सोचो, बोलो बोलो, हाँ क्या बोलो जोर से, क्या अच्छी क्या नहीं? हाँ बोलो, हमारे भक्त लोग भी बोलो, क्या क्या करना पड़ेगा जोर से बोलो। हाँ इसलिए उसको कहते हैं, भले ही वो पात्र में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर वो घड़ी को तुम पानी में अगर डुबो करके रख लोगे ना, ऑलरेडी तो पानी में है ही है, फिर निकलेगा कहाँ से? निकलेगा नहीं, क्यों? ऑलरेडी वो पानी में डूबा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है, जितने भी हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ है सब अंदर में, लेकिन हर समय अगर हम भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा रस में डूबे रहेंगे ना, फिर क्या होगा? हमें ये काम क्रोध होने पर भी ये हमारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसे समझो हम सबका अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मतलब किसका अंदर में नहीं, सबका अंदर में। लेकिन जब तक देखना कथा में बैठे हुए रहोगे ना, आपका अंदर में कोई काम कोई क्रोध लोभ सता रहे क्या? नहीं सता रहे। क्यों? आप लोग ने कथा रस में डूबे हुए हैं, इसलिए कहते मुंह रहो। अगर हर समय हम ये कथा में डूबे रहेंगे तो फिर ये काम क्रोध लोग हमारे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए हर समय क्या करो, हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। और एक बार आप लोग जोर से बोलो, जोर से, अभी जो लोग नहीं बोले और एक बार बोलो जोर से, मैं देखता हूँ कुछ माताओं का मुंह से गाने नहीं आ रहा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। बोले ओम नमिसे अनिमिसे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। अभी कलयुग आ गया, कलयुग आने पर सौनकादि ऋषि बने, पितामह ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ये कलयुग से हम कैसे बच रहे? तो बोले एक काम करो, ब्रह्मा जी बोले अपना मन से, कोई हाथ नहीं उठाया कैसे जाओगे? हाथ तो कम से कम उठाओ, कुछ कुछ माताएं अभी भी हाथ नहीं उठा रही, आपने पढ़ करके रखा है, हैं? इसलिए आप कृपा करके बताओ, ये कलयुग है, कलयुग में क्या स्थिति है? बच्चों को बैठा, कलयुग में ये विशेष महत्व है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य
कला बसमी इन जुगे जना। कलयुग का क्या है, बोले प्राय करके कलयुग हुआ परमायुग का में। सत्ययुग में 100,000 साल जीता रहते थे, सत्ययुग में। तृतीया युग आ गया, 1 शून्य हटा दो कितना रह जाएगा, 10,000 रह गया। फिर द्वापर युग आ गया, 1 शून्य हटा दो कितना रह जाएगा, 1,000। फिर कलयुग आ गया, 1 शून्य हटा दो कितना रह जाएगा, 100। अभी कलयुग में 100 साल भी जिंदा रहते हैं, नहीं रह रहे, क्योंकि कलयुग में हर चीज में मिलावट है। मिलावट, आप कोई भी चीज खा रहे हो ना, आप कोई प्योर चीज आप नहीं खा रहे हो, कोई भी चीज खाते हो सब में हाइब्रिड देकर हर चीज बनती है, हैं? हर चीज को तरह तरह का है पीढ़िया देकर बना दे, इसलिए कोई चीज कलयुग में कोई प्योर चीज नहीं है। इसलिए लोग ज्यादा दिन, अभी कोरोना आई ना, कितना लोग चलेंगे बताओ, 100 साल कौन जिंदा रहता है। पहले युग में ये था, जब तक उसका परमायु खत्म नहीं होगा मरेगा नहीं, लेकिन कलयुग में कब मर जाएगा कोई बता नहीं सकते, बैठ बैठ कर हार आकर टूट जाते। इसलिए कलयुग में परमायु कम है। अरे कलयुग में और क्या, बोले जुगतुता मंद बुद्धि मंद है। पहले लोग का समय होता ना, गीता भागवत पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, अभी समय हो तो टीवी, ये टीवी नहीं, ये कली आया है, ये स्मार्टफोन नहीं, जीवन को बिगाड़ने के लिए आया है। आपको सही घटना सुना रहा हूँ, एक व्यक्ति नौकरी करता था मिलिट्री में, वो घर में आया, देखा तो बेटा दिन भर स्मार्टफोन लेकर बैठा हुआ, पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर रहा। पिताजी ने बोला बेटा पढ़ाई करो, जीवन बनाओ, तो स्मार्टफोन में लगे हुए हो। पिताजी क्या क्या, जब सुना नहीं पढ़ ही नहीं रहा है, पिताजी जोर जबरदस्ती वो स्मार्टफोन ले लिया। जानते हो उसने क्या किया, वहां पर तलवार था, सीधा जाकर पिताजी गला काट दिया, गला काट दिया पिताजी को। ये कली सख्यात रूप में ये स्मार्टफोन बन करके आया है। इसलिए साधु सावधान, ये कहते कली युग में बड़ा उपद्रव बने, जितना साइंस जितना एडवांस कर रहे, अब हर चीज को देखो, जितना साइंस एडवांस कर रहा है घर में उतना दुख कष्ट उतना ही, उतना ही दुख कष्ट घर में। पहले माताएं कपड़ा धुला धुलते थे शरीर में, मसला पीसते थे शरीर में, बीमारी नहीं होता था। लेकिन जितना जितने पैसा वाला घर है उतना घर में उतना ही बीमारी देखोगे। शरीर को जितने आराम दे रहे हैं उतना ही शरीर के लिए कष्ट ही कष्ट है। घर में भी लिपा पोछा लगाए करते थे, जितना परिश्रम करते थे बीमारी बीमारी कुछ नहीं भी आती थी, हैं? एक तरफ में साइंस जितना एडवांस कर रहे हैं, दूसरे तरफ में देखो इतना गिरते हुए जा रहा है। इसलिए कलयुग में इतना उपद्रव कलयुग में। फिर कलयुग में अगर पत्नी अगर कहीं सत्संग में चली गई, अगर थोड़ी सी भक्ति का रंग चढ़ गया, भजन करेगी, पति क्या मिलेगा, किसको चक्कर तो पड़ गई है, गीता भागवत पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर बच्चा अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन करे तो बोले ये कोई उम्र है अपनी भक्ति करने का, लेकिन शराब पिए ना, बोले फिर खूब बच्चा एडवांस हो रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट फूंक रहा है। कलयुग में अगर पति अगर किसी भक्ति में आ गया ना, पत्नी बोलेगी कोई काम धाम नहीं, गीता भागवत लेकर बैठ जाते हैं। कलयुग में इतने उपद्रव, कलयुग में ये कौन कह रहे हैं, ये सोनकादि ऋषि लोग कह रहे हैं। फिर कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा, तब इन्होंने उनको 6 प्रश्न किया। कहते जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत है। इसलिए ध्यान बच्चों सब ध्यान देकर सुनो, मैं देखूंगा कल किसको याद है, ठीक है। कहते पहला प्रश्न है, देखो एक एक प्रश्न करोड़ों करोड़ रुपया के प्रश्न है। पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे, हम जीवन में देखो जो कुछ करते हो किस लिए करते हो, जीवन में शांति सुख मिले। लेकिन एक चीज प्रैक्टिकल रूप में देखना, जैसे घर में एक समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से ये एक समस्या हल हो जाए संसार में शांति सुख मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना वो एक समस्या तो हल हुई नहीं, दूसरे समस्या सामने गई। फिर कोशिश करोगे किसी तरह से 2 समस्या हल हो जाए हम शांति मिलेगा, देखना वो 2 समस्या गई नहीं, तीसरी समस्या, समस्या के बाद में समस्या है। लेकिन इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, ये अरब खरब रुपया प्रश्न है, हम अब इसका उत्तर भी सुनेंगे। दूसरा प्रश्न है, उसको सब लगा हुआ है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया है, क्योंकि जब तक ये जीव भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक जीव को कभी शांति नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मत है ग्री सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भवत, ये सिद्धांत अपे हैं।
जैसे रेती को भले ही कोई पीस पीस करके तेल निकाल दे, अब बताओ रेती को पीसने पर तेल निकलेगा? लेकिन गोस्वामी जी कहते भले ही कोई अगर बोले मैं रेती को पीस पीस कर तेल निकाल दिया, कहते मैं इसको मान सकता हूँ। कभी पानी को मंथन करने से घी निकलेगा? बोलो नहीं निकलेगा। कहते ये भी मैं मान लेता हूँ। आकाश में कहीं फूल खिलता है? नहीं। कहते ये भी मैं मान लेता हूँ। कछुए के पीठ के ऊपर कोई बाल कभी देखे हो? कहते उसको मैं मान लेता हूँ। खड़गोश से कोई सींग कभी देखे हो? कहते इसको मैं मान लेता हूँ। कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, बांझ तो इसके बेटा है ही नहीं, इसको भी मैं कभी मान लेता हूँ। अगर कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जल रही है, उन्होंने 8-9 उदाहरण दिया। बर्फ के ऊपर थोड़ी कोई आग निकलता है, आग जलती नहीं। कभी असंभव कभी संभव हो सकता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बोले हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते, हम संसार में आराम है, गोस्वामी जी कहते ये चीज को मैं कभी नहीं मान सकता हूँ। बिनु भजन हरि भजन न भवत हरि, ये सिद्धांत अभेद, ये ठोस सिद्धांत है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जितने भगवान से दूर रहोगे इतना ही दुख कष्ट है, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहता है ये दुख का घर है। दुखालयम असासतम, कृष्ण गीता में खुद कहते हैं ये संसार अनित्य है और दुख का घर ये है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननंद से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी। जिसने बनाया खुद गहरा दुख का घर है, लेकिन उसका शांति का उपाय भी बताते हैं कृष्ण। शांति कैसे मिलेगा? कृष्ण ये भी कहते हैं बोले तत् प्रसादात पराम शांति है अर्जुन, जब तुम मेरे शरण में आओगे, मेरी शरण में ही, मेरी भक्ति में ही तुमको शांति मिलेगी। जैसे इसका प्रमाण देख लो, हम संसार में सब दुखी है, लेकिन यहाँ कितना समय से आप बैठे हो? कितना घंटा हो जाएगा? 2 घंटा से 2-2.5 घंटा से बैठे हो। अभी बताओ तुम्हारे मन में कोई अशांति है? अभी घर के दुख कष्ट तुम्हारी याद है? तुम्हारे कोई भी दुख कष्ट तुमको याद नहीं? क्यों? कथा सुन रहे मतलब ठाकुर जी का गोद में बैठे, लेकिन केवल इनके घर की गेट से पार हो जा, केवल प्यार रखो मन में, घर में जाने पर ये अशांति, घर में ये दुख, घर में ये समस्या, घर में ये होगा, उनके साथ बनता नहीं, मन शांति नहीं, केवल एक गेट पार करते ही ना सारे दुख पहाड़ जैसे सर पर बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक तुम ये कथा में बैठो ना, कोई दुख याद है तुम्हें? ये प्रमाण है भगवान की भक्ति में इतने शांति, भगवत कथा में यहाँ बैठे हो सारे दुख को भूल कर बैठे हो। अगर हर समय प्रभु का भजन में लगे रहे तो आनंद ही आनंद। इसलिए उनका दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है हमें कृपा करके कृष्ण की सुंदर सुंदर कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं उनके अवतार का भी कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न है भगवान की सुंदर सुंदर जो उनको अद्भुत जो जस है, कृष्ण कैसे 7 दिन का जब थे गिरिराज गोवर्धन उन्होंने उठा लिया, 7 दिन के बालक, 7 क्रोश पर्वत, और कितना दिन तक उठाया था? 7 दिन तक उन्होंने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए कृष्ण कैसे एक थे, लेकिन हर गोपी जब रास कर रहे थे हर गोपी क्या देख रहे थे? कृष्ण मेरे साथ में, मेरे साथ में, कृष्ण मेरे साथ में। इसलिए हमें कृष्ण के अद्भुत जस सुनाओ। और छठवां प्रश्न है भगवान जब संसार छोड़कर के चले गए, अब ये धर्म ये कलयुग में कहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया है? 6 प्रश्न जब उन्होंने की बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? ये जितना प्रश्न भगवत संबंधी प्रश्न थी बड़े खुश हो गए। अभी केवल हरि चर्चा होगी, हरि चर्चा छोड़कर कोई चर्चा नहीं होगी, और हरि की चर्चा में आनंद ही आनंद है, इसमें सुख ही सुख है। बड़े प्रसन्न हो गए, बोले पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करके फिर आपका प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। उन्हें सबसे पहले गुरु जी को चरण की वंदना की है। बोले बंदाओ गुरु पद Oh,
करते हुए कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं बलि हरि श्री गुरु जी के गोविंद दिए बताऊं। अगर गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए पहले किसकी चरण में प्रणाम करेंगे? श्री गुरु जी की चरण में। क्यों? गुरु ही हमें गोविंद का रास्ता को गुरु जी दिखाते हैं, इसलिए उन्होंने गुरु जी की चरण में उन्होंने प्रणाम करके फिर उन्होंने उत्तर दिया। हम एक प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? बोले कलयुग में भगवान को पाने के लिए ठाकुर सबसे सरल उपाय बता। बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं। भगवान को पता ये कलयुग का जीव परिश्रम कर नहीं सकते, इनको ऐसे एक रास्ता बता दो बिना पैसा बिना परिश्रम से भगवान की भक्ति हो जाए। बोले वो क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी आप हरि नाम की महिमा बता रहे ठीक है। बोले कली जोग के बल महात्मा कली जोग के बल कली जोग के बल जैसे भोजन बनाओ किसके लिए भोजन बनाते हो? अपने खाने के लिए ना, ठाकुर को भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। जैसे बच्चे को थपथप लगाकर सुलाते हो, बच्चा किसने दिया है? तुमने जन्म दिया ना, ठाकुर ने दिया है। आप बोलोगे हमने तो जन्म दिया, ठाकुर दिया जन्म हमने दिया, तुम ठाकुर का नाम बोलते हो। देना कुछ कुछ माताएं बांध रहती है, बच्चा नहीं होता है। अगर अपना इच्छा में होता तो फिर तो बांझ नहीं, फिर अपना इच्छा से बच्चा हो जाता। कुछ कुछ चाहते घर में बेटा हो लेकिन बेटी होती जा रही। अगर तुम्हारी इच्छा से होती तो बेटी क्यों, बेटा क्यों नहीं हो रहा है? हम चाहते हर बच्चा अच्छा बने, लिखाई पढ़ाई करे, दुनिया में नाम रहे, लेकिन बच्चा बात ही नहीं सुनता। अगर हमारी इच्छा से होता तो सब कुछ अपना इच्छा से होता है ना। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। किसकी इच्छा से होता है? किसकी इच्छा से? ठाकुर की इच्छा से सब कुछ होता है, अपना इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो कुछ कर ठाकुर को सेवा मान कर हाथ में सेवा, हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की जोर से बोला ठाकुर जी का नाम, बस बड़ा भारी इतना सा है। लेकिन इतना काम हमें करने में कष्ट लगता है, दुनिया की बात बोल देते हैं लेकिन प्रभु का नाम करने के लिए बोलो ना, मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता। इसलिए बड़े सौभाग्य वाले व्यक्ति की मुंह से ठाकुर का नाम लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेगा ना उसको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है? क्या दिया आज मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा कल कौन मेरे को बोलेगा। जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। देखो ठाकुर का नाम लेने का कितना महत्व है। क्या तीन काम अपने आप हो जाएगा? पहला काम होगा नरक में यम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते। चित्रगुप्त कौन है? जो छुप करके हमारे सारे फोटो को ले रहा है। मरने के बाद सारे रिकॉर्ड वहीं पर निकलेगा, हमने कैसे कैसे कर्म किया, कर्म का अनुरूप फल देता है, हैं? लेकिन देखो ठाकुर का नाम में कितना शक्ति। जब कोई व्यक्ति ठाकुर का नाम जब करता है, जब महाराज चित्रगुप्त को बोलते भैया रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले इसका नाम भी यहाँ से काट दो, इसका नाम यहाँ से काट दो। बोले किस लिए? बोले मेरे ठाकुर का नाम ले रहा है ना, अभी वो व्यक्ति नरक नहीं आएगा। और दूसरा काम क्या होगा? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले सखी रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले इसका नाम लिख दे। बोले किस लिए? बोले ये ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना, अगर सीधा मेरे धाम में गोलोक वृंदावन आएगा। बोले तीसरा काम क्या होता है?
मतलब ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाते हैं, बोले इसलिए बोलो ठाकुर का नाम जप कर रहा है ये भूर भूव मोह जाना तप सत्य लोक जो पार करेगा मैं उसका आरती उतारूंगा, मैं उसका आरती उतारूंगा, प्रभु का नाम लेते ही इतने महिमा है। याद रहेगा किसको किसको याद रहोगे हाथ उठा कोई कुछ कुछ में आता है हाथ नहीं उठाती इतना बात याद रहेगा कि नहीं ठीक है हाँ इतना बात याद रखो लेकिन ना आज बेड़ा पार हो जाएगा फिर क्या करोगे हर समय ठाकुर का नाम जब करोगे हमारे जी राजकुमार प्रभु जी आ जाओ। अभी ये ठाकुर का नाम की क्या महिमा है ठाकुर का नाम लेने से क्या होता है इसकी विशद वशिष्ठ जी आज इधर आ जाओ ये प्रभु के नाम है इधर इधर आ जाओ नमो विष्णु पादाय राधिकाये प्रियात्मने श्री श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी हरे कृष्ण। आप लोग सब इसको बाद में हम प्रसाद की व्यवस्था है आज बढ़िया प्रसाद बना है छोले आलू की सब्जी रसगुल्ला और क्या बना है पूरी और क्या बना चावल सब प्रसाद ले लिया जाए थे श्री कृष्ण लीला कटने सुदक्षण औदार्य माधुर्य गणेश युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महंतं नारायणं त्वं शिरसां नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन द्वारांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवतो नमो नमः वांछा कल्पतरु चंद्रपादितु प्रेयवच पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमः। अहो भाग्यम नंद गोप भजो कथा ये मित्रं परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मद् गुरुपाद पद्म प्रातःकालीन स्मरणे नित्य लीला पृष्ठ जगत गुरु ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सताशी शिवद भक्ति विदान परमंत परिप्रेजक आचार्य वर्त जगदी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभिचरण कमलों में अनंत कोटि प्रार्थना का दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अनंत की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत पंचातीन मध्य शिक्षा गुरुदेव अभिन्न गुरुपाद पर श्री श्रीमद भक्ति विदान सुखेंद्र गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अनंत कोटि प्रार्थना का प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपा का गुरु वैष्णव परम्परा के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि प्रार्थना का प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित वैष्णव वैष्णव मातृमंडली तथा पिपासु शोक मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यह शोक के दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। श्रील महाराज जी की अहितुकी कृपा से आज वर्षों बाद या मैं तो अनुभव करता हूँ कि जैसे जन्मों बाद फिर से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ करने का अवसर हुआ है। तो सबसे पहले तो श्री महाराज जी की अहितु की कृपा के लिए जोरदार तालियों से महाराज जी के लिए स्वागत मिलते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना यहाँ गत दो वर्ष से हमने इस भागवत कथा का आयोजन बहुत बहुत कारणों से नहीं हो पाया लेकिन महाराज जी की इस वर्ष अहितु की कृपा हुई है कि हमारे प्रभु जी के घर में ये कथा का आयोजन हो रहा है। और दूसरी बात महाराज जी ने आदेश करा कि श्री नाम की महिमा भगवान नाम की महिमा जो स्वयं भगवान नहीं बता सकते है ना राम नाम की महिमा स्वयं राम जी नहीं बता सकते। एक चौपाई में तुलसीदास जी ने ये लिखा है मानस में और ये कहा है हमारे महात्माओं ने साधुओं ने कि हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान के नाम इतना बड़ा है कि भगवान से भी वो बड़ा है इतना बड़ा। तब पर भी हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान अपने नाम की महिमा शास्त्रों में भर दिया है पूर्ण रूप से। तो हमने गुरुवर्ग से जो सुना है उसी में थोड़ा सा नाम की महिमा को हम लोग स्पर्श करेंगे कि ये प्रभु नाम जो है ये कौन है।
ये जो नाम है भगवान का, जो नाम है ये कौन है? ये साक्षात भगवान ही है, जैसा हमने अभी सुना कि उनसे भी ऊपर है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम। और बता रहे हैं कि गोस्वामी जी बता रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाक, कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते है सब जगत निस्तार, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व नाम शास्त्र मर्म ए शास्त्रे मर्म, ऐसे करके उन्होंने बताया कि ये जो कली काल है ना, इसमें स्वयं भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं? नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। और किस रूप में प्रकट हुए? श्रीमद् भागवत जी, जो हमारे सम्मुख अभी महाराज जी की कृपा से जिसको हम श्रवण कर पा रहे हैं। तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहिता अवतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवतम स्वरूपम, कि भागवत जी का श्रवण करने मात्र से ही क्या होगा, ये जो अपार सागर समुद्र है ना, ये जो भव सागर है, ये जो संसार है, इसको हम पार कर जाएंगे भागवत सुनने से, ये होगा। ये तो बड़ी प्रारंभिक अवस्था है। और भागवत सुनने से क्या हो सकता है, वो महाराज जी कल परसों जब तक यहाँ भागवत का प्रसंग चलेगा तब तक हम लोग श्रवण करेंगे कि कृष्ण अपना प्रेम भी दे देंगे भागवत श्रवण करने मात्र से। कल हम पढ़ रहे थे, कहीं चर्चा भी कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव बोले हैं कि भागवत सुनने मात्र से, अर्थात हरि कथा सुनने मात्र से ही सब प्रकार की सिद्धि हो जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या करने से? श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से। भगवान की कथाएं साक्षात भगवान को देने में समर्थ हैं, लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क अवश्य ही है। भगवान की कथाएं हैं तो सही भगवान को देने में समर्थ, लेकिन वो कथाएं दे कौन रहा है, वो कथाएं सुना कौन रहा है? आप किसी निराकार निर्विशेष निर्वादी के समक्ष जाकर इन कथाओं को सुनेंगे, वो कहेंगे कि भगवान का तो आकार नहीं है, तो वो कैसे भगवान को आपको देगा? जिस परम सत्ता का आकार नहीं है, क्या वो साधु उस परम सत्ता को आपको दे देगा? नहीं दे पाएगा। तो हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम भागवत तो सुन रहे हैं, लेकिन कहाँ बैठ के सुन रहे हैं? तो हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरुजन मिले हैं, ऐसी गुरु परंपरा मिली है जो श्री कृष्ण से ही शुरू होती है। कृष्ण हिते चतुर्मुख, कि वो जो कृष्ण है ना, साक्षात परम सत्ता जो कृष्ण है, वही इस परंपरा के मूल हैं। और वहाँ से ये ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यास देव, ऐसे करते करते आज हमारे सम्मुख जो बैठे हुए हैं, यहाँ तक वो चली आई है परंपरा। ठीक है, तो ये साधारण बात नहीं है। एक ऐसी परंपरा के, एक ऐसे आचार्य जो हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, ये हमारा कितने करोड़ों जन्मों का संस्कार इकट्ठा हुआ है, तब हम इनका दर्शन कर पा रहे हैं। दिखने में तो साधारण साधु ही नजर आएंगे, लेकिन जब पीछे जाके देखेंगे कि ये परंपरा कौन सी है, जिस परंपरा का आश्रय करके ये साधु भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ये कृष्ण से शुरू होने वाली परंपरा है। इसके आदि गुरु कृष्ण ही हैं, और वो कृष्ण से शुरू होकर आज श्री महाराज जी हमारे सम्मुख बैठे हुए, वो यहाँ तक चली आई है। जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं? गंगा सागर तक जाती हैं। ठीक है, लेकिन उद्गम देखिए कहाँ है, पर्वतों की चोटी गोमुख, और नीचे जाके फिर सागर में मिल जाती है। ऐसे ही हमारी परंपरा का उद्गम देखिए कहाँ है, श्री कृष्ण परम सत्ता जो है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जिनको कह दिया गया है कि वो कृष्ण, जिसके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हाँ, ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, ऐसे ही कृष्ण। तो हम तो सच में ही, जो महाराज जी भी सुना रहे हैं ना कि वो घड़ा, वास्तव में हम वो घड़ा ही हैं, जिसमें कितने छेद हैं हम गिन नहीं सकते। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को तो पता नहीं, मेरे अंदर तो बहुत हैं, मैं वही घड़ा हूँ जिसमें बहुत छेद हैं, लेकिन गुरुदेव की ऐसी कृपा है, उन्होंने उस सागर को, उस तालाब को, उस सरोवर को भी हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया जिसमें उस घड़े को डुबाना है। अब ये हमें देखना है कि ये उस तालाब के ऊपर इस घड़े को तैराना है या उसमें डुबाना है। जिस दिन हमने अपने इस घड़े को उस तालाब में डुबा दिया, तो हमारे चित्रों में से कभी भी कोई बूंद गिरेगी नहीं नीचे। अभी महाराज जी ने सुनाया था ना, तालाब वाला और घड़े वाला प्रश्न के रूप में पूछा था। तो आप इसको ऐसे ही समझ लो कि मैं ही हूँ वो चित्र रूपी घड़ा, और कितने चित्र हैं पता नहीं, लेकिन ऐसे संत सरोवर के रूप में बैठे भी हैं, इनके चरणों में हम अपने आप को रख दें अर्थात तो डुबा दें, तो हमारे अंदर जो जाएगा ना वो कभी निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये नाम प्रभु की महिमा बता रहे कि साक्षात कृष्ण ही है, नाम साधारण वस्तु नहीं है। नाम की इतनी महिमा है कि क्या बताऊं महाराज जी, अभी तो सच बताऊं कुछ याद भी नहीं आ रहा। तो संजय प्रभु आप तैयार हो जाओ, आप कुछ बताना।
और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो कहना था तो गुरुदेव की कृपा से कह दिया, क्योंकि देखो जिह्वा जो है ना, हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि है, इस पर कृष्ण कब क्या बुलवाएंगे, कैसे बुलवाएंगे, क्या याद करके आप आओगे, तुरंत भूल जाओगे, जैसे एग्जाम टाइम में होता था। ठीक है, तो हम कितने ही बड़े कथावाचक भी हो जाएं, लेकिन कृष्ण की इच्छा होगी तो वो बुलवाएंगे, कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तो नहीं बुलवाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम संकीर्तन की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पद्रुवश्य कृपा सिंधवे विजय पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म त्रिला भविष्य विष्णुपाद अष्टोशत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात व्यास पीठ पर आसीन मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण सरोज में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त श्रोत मंडली के चरणों में मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी की आज्ञा हुई है कि कुछ हरिनाम के विषय में बोलना है, तो जिन्होंने आज्ञा दी है वही बोलने की शक्ति भी देंगे। अभी जैसे प्रभु जी नाम के विषय में कुछ आपको बता रहे थे, तो ये जो श्रीमद् भागवत का जो आयोजन हो रहा है इसकी एक समय सीमा है। कितने दिन होती है श्रीमद् भागवत, कौन बताएगा? 7 दिन। 7 दिन क्यों होती है? हाँ सुनिए मेरी बात, श्रीमद् भागवत का जो सार रूप है वो हम 7 दिन के अंदर सुनते हैं। ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवत इतना विस्तृत ग्रंथ है कि इसको हम लगातार 2 महीने और 12 घंटे सुनेंगे ना, तब जाके कहीं ये समाप्त हो पाएगा। उसमें भी उसका जो मूल तत्व है वो रह ही जाएगा, ऊपर ऊपर से हम कथाएं सुन पाएंगे 2 महीने के अंदर। तो ये 7 दिन का जो प्रचलन चला है ये क्यों चला है ना, इसके विषय में हम शायद लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत सूक्ष्म रूप में बताने की चेष्टा करूंगा कि परीक्षित महाराज को शाप मिला था। अब उनके पास केवल 7 दिन थे कि जिस व्यक्ति को ये पता हो कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो क्या करेगा? मैं तो अपनी बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये बताऊंगा मेरा बैंक बैलेंस कहाँ कहाँ है अपनी पत्नी को, फिर ये बताऊंगा देख मेडिकल पॉलिसी ले रखी है उसका क्लेम कैसे कैसे मिलेगा तुझे, ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि मेरे कितने कितने बैंकों के कोड हैं, पासवर्ड हैं, सब कुछ है, इन सबको तो नोट कर रख लियो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और हो सकता है आप में से कोई बुद्धिजीव हो जिसे ये पता हो यार ये सब तो लोग बाद में भी पता कर ही लेंगे, ये इनके कारण क्यों ना मैं अब 7 दिन बाद मरने ही वाला हूँ तो भगवान का कुछ ऐसा कुछ करूँ कि मुझे सदगति प्राप्त हो। तो यही कुछ चेष्टा जब परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो वो अपने गुरु के पास गए, और जो सदगुरु होंगे ना वो यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि भैया भगवान का भजन करो, अब तो यही से सब कुछ अंत समय में क्या जाता है साथ में, राम नाम सत्य है। कोई ये बोलता है इसने बेटे को इंजीनियर बना दिया ये सत्य है, कोई ये बोलता है प्रभु जी ने बहुत प्रॉपर्टी खरीद के रखी है अपने बच्चों के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए 7 पुस्ते बैठ के खाएंगी ये सत्य है, है? कोई ये बोलता है कुछ नहीं बोलता ना, क्या बोलता है? राम नाम सत्य है, यही बोलता है। तो जो सत्य है उसको जानने की हम चेष्टा कर नहीं रहे, जो असत्य है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो सदगुरु का ये परम लक्षण है, क्या लक्षण है? किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि भगवान का नाम लेने का सही समय क्या है, भगवान का नाम लेने का सही समय क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं मृत्यु से ठीक 1 दिन पहले, मृत्यु से ठीक 1 दिन पहले। तो गुरुदेव हमें कैसे पता चलेगा हमारी मृत्यु कल आ रही है परसों आ रही है? तो जब नहीं पता तो आज से ही शुरू करो ना, ये समझो कि आज आपका अंतिम दिन है। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही क्या? हम सभी को पता है कि हम कल उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे,
नहीं पता ना, तो हम लोगों का आज भी अंतिम दिन है, हमें यह मान के चलना चाहिए और आज से ही भगवान का भजन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सद्गुरुदेव यही बताएंगे कि भैया अभी वक्त है, अभी जो भज लोगे वही अपना है, कल किसने देखा है? है ना, काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होगी बहुर करे हो कब। तो सदगुरु ने यही बताया कि परीक्षित महाराज अब आपके पास कोई समय नहीं है, जो समय है वो सात। हाँ, लेकिन एक बात देखिए, इसमें बड़े गौर करने वाली बात है, परीक्षित महाराज के पास सात दिन तो थे क्योंकि उन्हें श्रृंगी मुनि का शाप मिला हुआ था, उनके पास सात दिन थे कि सात दिन से पहले तो वो मरेंगे नहीं, ये तो निश्चित था। लेकिन हम लोगों के लिए तो ये भी निश्चित नहीं है भैया कि हम सात दिन तक जियेंगे नहीं जियेंगे। तो हमें भजन कब से करना चाहिए? जोर से बोलो, आज से नहीं, अभी से और इसी पल से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज को ये बोला गया कि आप जो है भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन किस प्रकार से करूं? तो उन्होंने फिर रास्ता बताया कि शेष संत हैं, सौनकादि मुनियों को बुलाइए और सुखदेव गोस्वामी से कथा कराइए। तो पूज्य सुखदेव गोस्वामी ने उनको सात दिन इस हरि कथामृत का पान कराया। ठीक है, अब देखो गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, वही बताएंगे, मैं बताने वाला क्या होता हूँ, जो उनकी प्रेरणा से जो मुझे बोलने के अंदर से आदेश मिल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। इस कथा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका जो सार रूप है ना, वो सार रूप क्या है जो गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसके नाम संकीर्तन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। कैसे पापों का? सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। प्रणामी दुख शमनम, जिसका प्रणाम दुख का शमन करने वाला है। नमामि श्री हरिपदम, ऐसे श्री हरि को मैं क्या करता हूँ? मैं प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत का जो आज आप सात दिन सुन रहे हो ना, इसको वो सात दिन सुनोगे तो इसका एक ही सार है, क्या? नाम संकीर्तन। क्या है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को, चहुजो की चहुश्रुत नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आने प्रभाव। इसका अर्थ है कि चारों युगों में इस नाम की महिमा है। कौन से नाम की? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखो सत्ययुग में प्रहलाद महाराज आए थे, सत्ययुग में प्रहलाद महाराज ने कोई समाधि लगाई थी क्या? क्या कहते थे, क्या बोलते थे? हरी बोल हरी 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 बोल, हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल, हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल, हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल। यही बोलते थे वो सारे दिन, हैं, हरि नाम का कीर्तन करते थे। अब उसके बाद इसमें आप जो त्रेता में आ जाइए, त्रेता में वाल्मीकि जी का नाम सबने सुना होगा, त्रिकालदर्शी थे। भगवान राम के आने से पहले भी उन्होंने जो है रामायण की रचना कर दी। वो क्या करते थे? उनसे तो राम का नाम लिया भी नहीं जाता था, क्या बोलते थे? मरा 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 मरा। और उल्टा नाम जपने से वो क्या हो गए? ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो नाम की कितनी बड़ी महिमा है। उल्टा नाम लेने से वाल्मीकि जी शूद्र कुल में जन्म लेने के बाद त्रिकालदर्शी योगी हुए और साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने उनके चरण पखारे और स्वयं सीता देवी को उनकी सेवा का अवसर प्रदान किया। सीता देवी स्वयं उनके आश्रम में जाके रही। तो कितनी बड़ी महिमा है नाम की। अब उसके बाद आप आ जाइए किसमें? द्वापर युग में आ जाइए। द्वापर युग में जब द्रौपदी को भरी सभा में, है ना, दुर्योधन निर्वस्त्र करना चाह रहा था तो उन्होंने क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा था? क्या जपा था? हे कृष्ण। और भगवान ने क्रास सुना था तभी प्रकट हो गए वो और सारे रूप में उनका मान रखा। तो कहने का, और कलयुग में तो कल गुरुदेव कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। तो गोस्वामी जी ने जो बात कही है ना, ये बड़ी उत्तम बात कही है। चहु युग चहु शुद्ध नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आनो पाओ। चारों युगों में तो इसकी महिमा है ही है, लेकिन कलयुग में तो नाम प्रभु अपार शक्तिशाली है। अपार शक्ति, ऐसी नहीं है किसी एक युग में इनकी शक्ति कम हो गई है, लेकिन कलयुग में स्वयं भगवान नाम, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो स्वयं नामी के रूप में आए हैं। नाम और नामी अभिन्न है।
नाम की महिमा इतनी है कि मैं कहते हैं ना अपत अजामिल गद गनकाऊ, ये भगवान श्री राम के भक्त हैं जो मैं आपको बोला हूँ। अपत अजामिल गद गनकाऊ भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ, और कहा कहूँ लगे नाम बढ़ाई राम न सकही राम गुण गाई। तो राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते है ना। जब समुद्र बन रहा था, समुद्र पत्थर तैर रहे थे, तो भगवान ने सुना, कोथुल सुना कि भाई मेरे नाम लिखते हैं हनुमान जी और पत्थर डाल देते हैं, मेरे नाम से तो पत्थर भी तैर रहा है, मैं भी देखता हूँ। उन्होंने एक पत्थर लिया और वो समुद्र में डाल दिया। अब वो पत्थर डूब गया। अब ये पीछे से बैठे हुए हनुमान जी देख रहे थे कि प्रभु क्या कर रहे हो। कि हनुमान देख रहा हूँ लोग कह रहे कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन मैंने तो ये डाला तो ये डूब गया। कि प्रभु जिसको आप डूबोगे वो तो डूब ही जाएगा, जिसे आप छोड़ोगे वो तो डूब ही जाएगा। ठीक है, तो भगवान को भी अपने नाम की महिमा नहीं पता है। तो इस नाम की महिमा कौन बताएंगे? आपको गुरुवर्ग बताएंगे। ऐसे संत जो आपके द्वारे आते हैं, निस्वार्थ भाव से आते हैं, इनका कोई लोभ लालच नहीं है। और क्या बोलते हैं भैया कि आप क्या बोलो, एक बार क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम नाम की महिमा कहने लगे ना 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, 24 घंटे में नाम की महिमा पूरी नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव का अगर आदेश हो तो मैं 2 मिनट में एक सार रूप में आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। गुरुदेव आज्ञा है? हाँ। एक बार क्या हुआ कि एक मारवाड़ी सेठ था, मारवाड़ी सेठ ने उसको कोड हो रखा था। तो मारवाड़ी सेठ कलकत्ता से आया 200 पंडितों विद्वान पंडितों को लेके, काशी के विद्वान पंडितों को लेके आया, और उसे किसी ने बताया कि वाराणसी में जो है आप जो है नदी में स्नान, गंगा में स्नान करो और यज्ञ आदि करो, ब्राह्मणों को दान दो, तो आपका क्या होगा, आपका कोड चला जाएगा। ठीक है, अब इतना पूरा ताम जाम हाथी घोड़ों पे इतना पूरा सामान लेके आ रहा है, 200 पंडित गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, तो वाराणसी में आगे रुका। अब वहां पे जो कबीर जी का पुत्र था, कबीर कौन है, भगवान के बड़े भक्त हुए हैं, संत हुए हैं, तो उनका पुत्र का नाम था कमाल। कमाल ने देखा कि भैया पूरा का पूरा 1 किलोमीटर का लंबा रास्ता ब्लॉक हो गया है, ये इतना बड़ा सेठ है कौन, पता करना चाहिए क्या झमेला है। तो उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि सेठ को कोड हो रखा है, और अपना कोड मिटाने के लिए उसे किसी विद्वान ने उपाय बताया है कि अगर वो यहाँ पे यज्ञ दान तप करेगा, गंगा में स्नान करेगा, तो उसका कोड चला जाएगा। अब क्या हुआ, जो कमाल है वो भक्त का बच्चा, भक्ति होता है, उसने कहा अरे इतना झमेला करने की क्या जरूरत है, इसका कोड तो मैं 1 मिनट में उतार दूंगा। वो गया सेठ के पास कि सेठ जी आप ये खर्चा करना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरे पास आपका कोड उतारने का एक उपाय है। कि क्या उपाय है, कि उपाय ये है कि आप जो है गंगा में स्नान करो आर्तभाव से, और बाहर निकलोगे तो आपका कोड निकल जाएगा। कि अच्छा इतनी बड़ी बात है, केवल स्नान करने से आपका कोड निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, भगवान का नाम लो, डुबकी लगाओ, आर्तभाव से भगवान को पकारो, आपका कोड मिट जाएगा। अच्छा चलो भैया ठीक है, ये करके देख लेते हैं, बड़े बड़े झमेलों से मेरा कोड नहीं मिटा, अगर भगवान के नाम से मेरा कोड मिट जाता है तो इसको करने में क्या दिक्कत है। तो कहा कि कपड़े उतारो, गंगा घाट पे सेठ खड़ा और गंगा घाट पे ही कमाल खड़े। कमाल ने कहा जाओ वस्तु उतारो, भगवान का नाम लो, डुबकी लगाओ, देखो तुम्हारा कोड बाहर आ जाएगा, निकल के साफ हो जाओगे तुम। तो सेठ गया, सेठ ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाते कहा हे राम, लगाई डुबकी और बाहर आया था कोड, जो कहते हो। कमाल ने कहा अरे ये क्या करते हो, तुम्हारा कोड गया कैसे नहीं, तुमने कुछ गलती की होगी, एक काम करो दोबारा डुबकी लगाओ और आर्तभाव से बोलना, हृदय से बोलना। ठीक है, दोबारा से सेठ ने डुबकी लगाई, कहा हे राम, डुबकी लगाने के बाद फिर बाहर आया तो फिर उसका कोड जो कहते हो। कमाल को गुस्सा आ गया, कैसा अजीब आदमी है, इसका कोड नहीं जा रहा, तो देखा रुक जा मैं आ रहा हूँ। कमाल खुद नदी में उतरे, गंगा जी में उतरे, और उतारने के बाद एक लठी ले लिया हाथ में, कह अब डुबकी लगाना, और जैसे मैं जैसे डुबकी लगाओ ना तभी नाम बोलना। तो जैसे ही उसने डुबकी लगाई, कमल ने धड़ मारा उसके सर पे, बोल हे राम। अब उसके प्राण संकट में उसने बोला हे राम, तो कहां से निकली आवाज, हृदय से निकली। किससे निकली, आर्तभाव से मिली, आर्तभाव से निकली। तो जो आर्तभाव से हृदय से जो आवाज निकलती है परमात्मा तक पहुंचती है। तो जैसे ही वो आवाज लेके हे राम करके निकला तो उसका कोड साफ, कोड बिल्कुल साफ उसका। वो आश्चर्यचकित और 200 पंडित देखते देखते रह गए कि एक बार में इसने कोड साफ हो गया एक राम का नाम लेने में, बड़ी बात है ये तो। अब वो निकल के आए तो उन्होंने कहा कि ये सारा जो मैं लाया था काशी के पंडितों को देने के लिए, भैया ये आपके लिए है कमाल प्रभु, आप ले जाओ उसे। कि भैया देखो तुम्हें देना दो, हम तो संत फकीर आदमी है, संत के बेटे हैं, हमें तो इस मोह माया से कोई मतलब नहीं, आप जिसको देने आए तो उसी को दो। अब कमाल ऐसा कह के उछलता कूदता हुआ अपने पिताजी के पास गया। अब सोचा पिताजी तो बड़े शाबाशी देंगे, गए पिताजी, पिताजी एक मैंने एक सेठ को 3 राम नाम में ठीक कर दिया,
तीन राम नाम तूने खर्च कर दिए एक कोड़ी को ठीक करने में। राम जी, कबीर जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया उन्हें। कह रहे दुष्ट के बूढ़ा कुल कबील का जो भुआ पुत्र कमाल के मेरा कुल का नाश कर दिया तूने, जो तेरे जैसा पुत्र निर्लज्ज पैदा हो गया जिसे राम नाम की महिमा नहीं पता, तीन नाम एक मात्र छोटे से कोड़ को ठीक करने में खर्च कर दिए। सोचो नाम की महिमा क्या है कबीर जी के हृदय में और वो क्या हमें शिक्षा देना चाहते हैं। कह रहे तू मूर्ख है, तुझे नाम की महिमा समझाने के लिए मुझे तुलसीदास जी के पास भेजना पड़ेगा। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी ये समांतर हैं, ये एक ही समय के भक्त हुए हैं। तो उनका तू जा और तुलसीदास जी को मेरा प्रणाम बोलना और उनको बोलना कि तुझे नाम की महिमा समझाएं। कि अच्छा, तुलसीदास जी के पास गए कमाल और कहा कि ऐसे ऐसे मैंने जो है तीन नाम लेके मैंने एक कोड़ को ठीक किया था और मेरे पिताजी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है कि नाम की महिमा समझने के लिए। कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करो आसपास के गांवों में एक ये घोषणा करवा दो, डोड़ी पिटवा दो कि जितने भी कोड़ी हैं वो सब आ जाएं, तुलसीदास जी उनका कोड़ ठीक करेंगे। तो बजा दिया, नगाड़ा बजवा दिया कि जितने भी कोड़ी हैं वो सब आ जाएं, सब उनके कोड़ ठीक हो जाएंगे। और अगले दिन 500 से भी 1000 कोड़ी तकरीबन जो है तुलसीदास जी की कुटिया के सामने लाइन लगा के खड़े हुए। तुलसीदास जी का कमाल से अब जा एक तुलसी दल तोड़ के ले गया प्रार्थना करके। तुलसी जी तुलसी दल तोड़ के लाए, उस पर राम नाम अंकित किया और उसको घोटा और घोट के उस मटके में मिला दिया। अब कहा कि जितने भी कोड़ी हैं सब बैठ जाओ लाइन में और लेके प्रभु का नाम सबके ऊपर छिड़क दिया और जिस जिस कोड़ी के ऊपर जल जाता गया वो सारे के सारे कोड़ी ठीक होते चले गए। अब ऐसा अनुभव लेके तो वो बड़ा आश्चर्यचकित कमाल कि तीन नाम मैंने बर्बाद कर दिए, सही कहा पिताजी ने, और इन्होंने एक नाम के अंदर 500 से 1000 कोड़ियों का कोड़ ठीक कर दिया। अब फिर आए वो कबीर जी के पास कि पिताजी ऐसे ऐसे बात, अच्छा अभी नहीं समझा तू नाम के महिमा, अब तू एक काम कर यमुना तट पे सूरदास जी वृंदावन में भजन करते हैं तू उनके पास जा, वो तुझे सही नाम की महिमा बताएंगे। मेरा प्रणाम उनको बोलना, साधुवाद देना उनको मेरा और जाके उनको नाम की महिमा सीखो उनसे। अब वो गए सूरदास जी के पास। सूरदास जी के पास जाते हैं तो सूरदास जी तो जन्मजात सूरदास हैं, उनकी आंखें नहीं हैं लेकिन उनके दिव्य चक्षु खुले हुए हैं। तो उन्होंने पहचान लिया कि कबीर जी ने भेजा है नाम की महिमा के लिए कि हाँ हाँ प्रभु, हाँ 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 महाराज जी मुझे ऐसे भेजा है। अच्छा तो ठीक है, चल एक काम कर वो यमुना जी में मुर्दा बह रहा है ना उसे उठा ला। अब वो और आश्चर्यचकित कि इनको तो दिखता भी नहीं है ये तो जन्मजात अंधे हैं और इन्हें कैसे पहचान लिए कि यमुना जी में मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, इसको निकाल ला। चलो संत की आज्ञा है लेके आता हूँ। संत की आज्ञा आए लेके मुर्दे को ले आए और मुर्दे को लाने के बाद कहते हैं कि महाराज मैं ले आया मुर्दे को। अच्छा चलो ठीक है। सूरदास जी ने उसके कान में कहा रा रा बोला, माँ बोला भी नहीं और वो जो मुर्दा है वो राम 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 जय श्री राम करते हुए उठ गया। कमाल की आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक राम नाम नहीं पूरे रा अक्षर के अंदर ही, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म है, कोई राम और कृष्ण को साधारण नाम मत समझो, ये कौन है, ये अक्षर ब्रह्म है। ठीक है, अक्षर ब्रह्म लेने से भी हमारा परम कल्याण होता है। ठीक है, तो उन्होंने रा बोला और मुर्दा राम राम कहते हुए उठ गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री नाम प्रभु की जय। तो कमाल को इस प्रकार ये शिक्षा दी कबीर जी ने कि नाम और नामी अभिन्न है। भगवान का जो नाम है वो भी किसी तुच्छ उद्देश्य के लिए कभी खर्च नहीं करना चाहिए, किसी तुच्छ उद्देश्य के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम नाम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन में इच्छा है कि मेरी नौकरी लग जाए। अरे इस हरि नाम से क्या मांग रहे हो आप, नौकरी है पुत्री के लिए बेटा, पत्नी के लिए बहू के लिए बेटा, बेटे की नौकरी, ये तुच्छ माया के पीछे हरि नाम नहीं करना। हरि नाम आपको क्या दे सकता है इसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हरि नाम कल्प वृक्ष है, ये जो देगा उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा। वो क्या देगा, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति देगा। अब प्रेमा भक्ति तो हमें समझ ही नहीं, अशुद्ध भक्ति समझ नहीं आती तो प्रेमा भक्ति कहां समझेंगे। तो ये बड़े ऊंचे स्तर की बात है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे जो गुरुवर्ग बोल रहे हैं आपको कि आप क्या करो, हरेर नाम एव केवलम, क्या करना है, केवल हरि का नाम लेना है, केवल हरि का नाम लेना है और केवल हरि का नाम लेना है। धीरे 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 जैसे जैसे आप इस चीज को जपते जाओगे आपको नाम प्रभु की महिमा समझ आएगी और यही नाम हमें अंततः भव सागर से पार लगाएगा और अंत में जाके सारी सीढ़ियों को पार करते हुए, धर पृथ्वी लोक को पार करते हुए, ब्रह्म लोक को पार करते हुए, अयोध्या मथुरापुरी द्वारकापुरी को भी पार करते हुए कहां ले जाएगा, श्री गौलोक वृंदावन धाम।
बोले गोलोक वृंदावन धाम की जय। ये वहां ले जाएगा, ये साधारण वस्तु नहीं है, ये जगत की वस्तु नहीं है। यहाँ आप आए और आने के बाद आपस में बातचीत करी, नाचे कूदे और चले गए, हृदय में कुछ धारण करके नहीं गए, तो यहाँ आना आपका व्यर्थ है। फिर क्या होगा, श्रम एव ही केवलम, केवल आपने श्रम किया, परिश्रम किया, शरीर को बिठाया लेकिन मन को नहीं बिठाया, शरीर को भी बिठाया मन को भी बिठाया लेकिन धारण नहीं किया, तो वो सब बेकार है। तो अंततः आप यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओ। क्या लेके जाना है कि भैया राम नाम सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। यही जाएगा हमारे साथ और कोई नहीं जाएगा, ठीक है। यही गुरुदेव आपको बताना चाहते हैं और यही श्रीमद् भागवत का सार है। हृदय में भाव रख के इस कथा को सुनिए, सात दिन सुनिए और गुरुदेव के चरणाश्रय होकर करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा आपको, है ना। मैं कुछ ज़्यादा समय ले लिया, मैंने गुरुदेव से क्षमा चाहूँगा और आपके चरणों में निवेदन करते हुए एक बात बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये जीवन बड़ा अमोल है, है ना। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, अरे बड़े भाग्य हैं हमारे कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। और समझिए समर्थ परिवार में जन्म मिला है। आप यहाँ समर्थ परिवार की माताएं बहनें ही बैठी हैं, कोई भूखे नंगे परिवार की माता बहनें नहीं बैठी हैं यहाँ। एक मैं अपना नाम लेके बोलता हूँ, एक संजय ऐसा भी होगा जो किसी गरीब गुर्दे के घर में पैदा हुआ होगा, जिसको दो वक्त की रोटी नहीं होगी, सुबह खाली शाम का पता नहीं है। और एक किसी बिजनेसमैन के यहाँ भी पैदा हुआ होगा, और एक कोई धीरूभाई टाटा बिरला के यहाँ भी पैदा हुआ होगा, सेम संजय नाम का व्यक्ति है ना। लेकिन दोनों के भाग्य में अंतर है नहीं है। यहाँ हमें दो वक्त की रोटी मिल रही है और भरपेट चकाचक प्रसाद मिल रहा है, दोनों टाइम का आनंद है, उसके बावजूद ही भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। कितना बड़ा दोष है, भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया, कितनी अच्छी काया दी, आंख दी, जीवा दी, है ना। बुढ़ापे में ये शरीर काम नहीं करेगा, राग पित्र सब जकड़ जाएगा, तो बुढ़ापे में हम भजन करेंगे। जैसे मैंने पहली बात बोली थी, अगर आपको ये पता है हमारी मौत आने वाली है आने वाले सात दिन में या एक महीने में, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास यू आर एम्पल ऑफ टाइम, बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन अगर आपको पता है आपकी मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, तो आज से ही क्या करना है और इसी पल से ही क्या करना है, हमें हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम करना है, केवल हरि नाम का और केवल हरि नाम ही करना है। वांछा कल्प द्रवश्य कृपा सिंधवे च पतिता नाम पावने भ्यो श्री वैष्णव केवल हमें हरि का नाम करनी चाहिए, इसलिए हर 5-7 मिनट दो हमें एक माला जप करेंगे, ठीक है। इसको बाद में आप लोग सब प्रसाद पा करके जाना, ये माला एक एक पकड़वा दो इनको। देखो ये जो माला है ना, इसका नाम माला, माला मतलब क्या, मा मतलब होता है मन, ला मतलब जो मन को लेकर के आता है, कहाँ से, विश्व से जो मन को हटा करके ठाकुर जी के चरण में लगा दे, इसलिए इसका नाम माला है। इसलिए सबको जो जो बच्चों को मत दिया करो, हमारे घर में सभी जो माला मिले ना अलग अलग संदेश उनको, और एक व्यक्ति बता दो प्रभु जी, आज आज उसको बंटवा दो, बच्चों को नहीं देना, बड़े हाँ इधर इधर देखो माला कैसे करोगे, मेरे तरफ में देखो, ये जो अंगुल को इसमें नहीं लगाते हैं क्योंकि ये गंदा अंगुल, हम कहते ना तुमको हम देख लेंगे और ला देंगे, हम तुमको देख लेंगे, हाँ बोलते हम तुमको देख लेंगे, ये सबसे पहले ये निकलता है, इसलिए ये अंगुल हम बाहर निकाल कर रखते हैं, रख करके जैसे हरे कृष्ण सब मिले साथ में बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक मुद से रखता है, फिर हरे बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दो मुद से रखता है। देखो इधर सुन लो, एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर में उसका भोजन है, महाप्रभु एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में करते हो प्रभु, बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो, उस समय स्वर्ण मोहर हो भक्त लोग तो दुखी हो गए, हमारे घर में 1,000 रुपया तक नहीं, 1,000 की बात चल 100 रुपया भी नहीं, क्योंकि जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर हो, तो क्या हमारे घर में फिर आप भोजन नहीं करोगे, हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते हैं। देखो भगवान ने क्या किया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो ठाकुर का 1,00,000 नाम लेते हैं, इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा,
आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली ले लो रे परी राम का प्यारा है। जो 100,000 नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। हाँ देख लो लखपति कैसे बनोगे, इधर देखो जैसे ये माला जप करते हैं ना जैसे हरे कृष्ण बोल करके एक मोती सरकता है, फिर दो बार दो मोती, तीन बार तीन मोती, देखो 100,000 कैसे होता है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया 16 बार हो गया, कितना बार हो गया 16, इसमें 108 मोती। देखो अच्छी तरह सीख लो, जैसे यहाँ खत्म हो जाता है इसको पार नहीं करना, इसको ऐसे घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करना। अगर हमने ऐसे 16 माला कर लिया ना, अगर 16 माला कर लिया ऐसे तुम्हारी हो गई कितना 25,000 नाम हो गया। अगर तुमने 64 माला कर लिया ना 1,00,000, भगवान कहते तुमने 1,00,000 माला नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गए। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा, बोले दीन दीन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 करोगे कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, 4 दिन में 2,00,000। अरे यही धन ही काम है हमारी अंतिम समय में आएगा। ठीक है सब आंख बंद कर लो, समझो हम वृंदावन में श्री बांके बिहार जी के चरण में बैठे हैं, बैठ करके हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, शरीर तो यहीं पर रहे, मन को कहाँ ले चलो, मन चलो रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गए, इसलिए वृंदावन धाम में चलो और शरीर यहीं रहे और वृंदावन। माला मिलेगी नहीं तुमको, माला ले लो इनको, सुनो इधर जो माला दे रहे ना आपको घर में लेने के लिए नहीं दे रहे, आपको केवल यहाँ जप करने के लिए दे रहे हैं, इसलिए माला वापस देकर जाना, कोई माला लेना नहीं पाप लगेगा। हाँ अगर आपकी इच्छा होगी माला जप करने के लिए फिर आपको मैं कुछ बता करके माला दे दूंगा, ये माला को लेकर के लो ठीक है, क्योंकि अभी उसी माला से यहाँ पर रोज रोज जप करेंगे तो है आपको ऊपर से चित्रगुप्त सर फोटो ले रहा है, यहाँ बैठ करके प्रभु का नाम ले रहे हो, ऊपर जाओगे ना माला ही माल मिलेगा तुमको, है माला ही माल मिलेगा, पूरा ये फिक्स डिपोजिट मिलेगा वहीं पर आपको मिलेगा। फटाफट दो आग बंद करके मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक मोती सरकेगा, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक माला होगी कि नहीं माला होगी एक कि नहीं होगी एक माला पूरी हो गई पूरी हो गई एक माला पूरी हो गई ना राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे प्रभु जी आरती के लिए आना राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हाँ सब लोग आप अपना अपना माला है ना वापस दे दो कोई लेना नहीं हाँ भजन बढ़िया हाँ दो 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 भजन अगर प्रभु जी गए तुम ले जाओ दो भजन अगर हाँ सबको नाचना होगा सबको बढ़िया भूख लग गया ना बढ़िया प्रसाद बनाया छोले आलू की सब्जी गरम गरम पूरी चावल और रसगुल्ले ये जो माला है आप लोगों के पास में माला ला करके आप प्रभु जी को दे दें सबके सब माला कोई लेना नहीं पाप लगेगा सब माला वापस दे दो इसको रोज जो है माला बैठ कर करेंगे हाँ सबके सब खड़े हो जाओ प्रभु जी नाचने का भजन गाएंगे सबके सब नृत्य करेंगे आइए बड़ा ही पावन चावल का महीना चल रहा है भाई हम आप सभी यहाँ ठाकुर जी को मिला दिखाएंगे सभी
दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए नाचते हुए गाते हुए बजाते हुए ठाकुर जी को ले जाएंगे। Yeah.
कि पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम।